अब क्लॉजेस देखो तरह तरह के होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड आपका जो है कॉर्डिनेटिव uh, क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लाजेस जितने भी होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर आपके जो कन्जंक्शन हैं उनसे स्टार्ट होते हैं अब यहाँ पर बिफोर क्या है दैट इज अ कंजंक्शन अब यहाँ पर जो ये क्लॉज है बिफोर आई डाई तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यह आपका पूरा क्लॉज हुआ अब यहाँ पर ये यह जो क्लॉज है ठीक है ये किस चीज को जो है एक्सप्रेस कर रहा है ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है तो जो भी क्लॉज आपका टाइम कंडीशन रीजन इन सबको एक्सप्रेस करता है ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट क्लॉज सो फॉर दैट रीजन यहां पर ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल अब आपको यहां पर क्लॉज का टाइप बताना है यहां पर देखिए क्या है दैट से शुरू होगा आपका वर्ब तक पूरा आपका क्या है क्लॉज है राइट right? अब यहां पर देखिए क्या है डू यू थिंक यू क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ क्या होता है फॉलोइंग वर्ड ऑफ ऑर्डर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है राइट right? अब यहां पर क्या है यहां पर वर्ब के बाद में सीधा क्या आ रहा है आपका एक क्लॉज आ रहा है

नाउन क्लॉज जो है इसको हम कंसिडर करेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम देखिए पर क्या है आई नो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है दूसरा है यू हैव ये एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है अब यहाँ पर देखिए क्या है सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद में क्या आना चाहिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए राइट बट यहां पर क्या हुआ यहां पर सीधा एक और सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है यानी कि यहां पर जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब है वो क्या है एक क्लॉज है राइट right? अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट मिसिंग है यानी कि आपका जो ये क्लॉज है यहां पर किसकी तरह एग्जिस्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर जो आपका ये क्लॉज जो है ये कंसिडर क्या किया जाएगा नाउन क्लॉज किया जाएगा बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग एज वर्ट एज एन ऑब्जेक्ट ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कन्फessed दैट ही वाज गिल्टी उसने कन्फेश किया ही कन्फessed ठीक है दैट ही वाज गिल्टी अब यहां पर देखिए ही क्या है सब्जेक्ट है कन्फessed क्या है वर्ब है यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है है ना ऑब्जेक्ट के बाद ही मतलब ऑब्जेक्ट आना चाहिए था यहां पर यहां पर क्या आ गया एक क्लॉज आ गया राइट right? तो यहां पर जो आपका ये क्लॉज है किसकी तरह एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह राइट right? तो उसने कन्फेस किया क्या कन्फेस किया ठीक है ऑब्जेक्ट क्या होता है जो वर्ब के हुम या व्हाट को आंसर देता है है ना तो यहां पर जो आपका क्लॉज होगा वो कौन सा होगा दैट वुड बी नाउन क्लॉज तो इसका सही आंसर क्या है नाउन क्लॉज होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट आई नो द गर्ल हु वॉन द प्राइज़ यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने प्राइस जीता है राइट आई नो ठीक है आई नो गर्ल यानी कि सब्जेक्ट भी है वो भी है ऑब्जेक्ट भी है यानी कि ये जो आपका क्लॉज है दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट की तरफ प्रेजेंट है ना ही ऑब्जेक्ट की तरफ राइट right, अब या तो ये आपका एडवर्ब हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है राइट अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज एक नाउन को एक्सप्रेस करता है तो यहां पर गर्ल क्या है बेटा नाउन है राइट गर्ल क्या है नाउन है राइट और नाउन को कौन एक्सप्लेन करता है बेटा नाउन को एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव सो वो क्लॉज जब एक नाउन को एक्सप्रेस करता है वैसे क्लॉज को हम क्या बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं फॉर दैट रीजन यहाँ पे सही आंसर हाँ, क्या होगा Adjective clause. Next, आगे चलते हैं रीड द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच में इसको डायरेक्ट uh, स्पीच uh, में से जो है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है सेंटेंस है आपका जेनिफर सेट व्हाट विल यू डू व्हेन यू लीव स्कूल तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देखो कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है सबसे पहली बात इज चेंज ऑफ वर्ट आपके प्रोनाउंस जो होते हैं ठीक है so तो यहां पर क्या होगा यहां पर देखो किससे पूछा जा रहा है जेनिफर ने मुझसे पूछा कि तुम स्कूल के बाद क्या करोगे तो यू जो होता है ना बेटा ठीक है किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका मी में या फिर आई में ठीक है वट विल आई डू यहां पर क्या होगा वट विल आई डू ठीक है वेन आई लीव स्कूल ठीक है प्रोनाउंस का चेंज होता है और इसके अलावा क्या होता है बेटा विल जो होता है दिस कन्वर्ट्स इन टू वुड ठीक है तो यहां पर देखिए क्या है जेनिफर सेट क्वेश्चन मार्क है इंटेरोगेटिव के फॉर्म में है तो यहां पर क्या हो जाएगा जेनिफर आस्क्ड अब ये किससे पूछ रहा है किससे पूछ रहा है जो आपका स्पीकर है यानी कि जो ये स्पीच दे रहा है राइट यानी कि जैसे कि जेनिफर की कॉन्वर्जेशन मेरे साथ हो रही है तो वो मुझसे पूछ रही है राइट तो यहां पर क्या हो जाएगा जेनिफर आस्क्ड मी राइट यहां पर क्या है देखो हर जेनिफर सेट जेनिफर आस्क्ड हर एंड मी ठीक है ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा ठीक है क्योंकि वुड जो है वो किसमें विल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है वुड में में इन सब देखिए क्या है यहां पर विल है यहां पर भी विल है ठीक तो है है यहां पर वुड तो बट यहां पर आस्ट हर लिखा है राइट तो आपका सही आंसर ये होगा अब इसके अलावा देखिए यहां पर ना क्वेश्चन में करेक्शन होगी वो क्या दैट इज वॉट जो यू जो है वो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आई एम वे आई ठीक है वेन यू लीव स्कूल सो वेन यू ठीक है तो यहां पर यू जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आई में सो फॉर दैट रीजन यहां पर क्या होगा हम्म hmm. यहां पर ये जो आंसर दिया हुआ है ये नहीं होगा दिस इज इनकरेक्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कन्वर्ट देम इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इनडायरेक्ट ठीक है आपको जो है इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेट हिज वाइफ ठीक है तो क्या होगा यहां पर प्लीज वर्ड का यूज किया जा रहा है है ना प्लीज प्लीज सो वेन वी सेन वी से प्लीज तो ये बेटा किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा होता है ठीक है यहां पर देखिए क्या है पहले ऑप्शन में लिखा है

ठीक है, आर योर एग्जामिनेशन ओवर आस्क द टीचर ठीक है तो यहां पर सही आंसर क्या होगा ठीक है क्वेश्चन क्या है आर योर एग्जामिनेशन ओवर अब यहां पर देखिए क्या है पहले तो क्या आएगा द टीचर आस्ट ठीक है अब किससे पूछा है हुँ? यहां पर चार ऑप्शन है देखिए पहला है द टीचर आस्ट आर हिज एग्जामिनेशन ओवर द टीचर आस्ट हिम दैट वर हिज एग्जामिनेशन ओवर ठीक है नेक्स्ट है द टीचर सेट हिम दैट वर हिज एग्जामिनेशन ओवर नेक्स्ट है द टीचर आस्ट वेदर हिज एग्जामिनेशन ओवर ठीक है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब ये क्वेश्चन देखिए क्या किस तरह का आर या एग्जामिनेशंस ओवर हाय या ना वाला क्वेश्चन है राइट right? तो हाय या ना वाले क्वेश्चन में देखो जनरली क्या होता है आपका वेदर वर्ड का यूज किया जाता है अब जितने में यहाँ पर तीनों ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये सब जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ठीक है आपका जो यहां पर टेंस यूज हुआ है दैट इज सिंपल प्रेजेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सिंपल पास्ट तो सिंपल पास्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं आर तो आर किस में कन्वर्ट हो जाता है वर में राइट right. तो पूरा अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी दैट इज टीचर आस्क वेदर एग्जामिनेशन वर ओवर ठीक है तो आर जो है यहां पर किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा वर में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है डू योर ड्यूटी द फादर टोल्ड हिज सन तो फादर ने जो है अपने बेटे को क्या कहा कि अपनी ड्यूटी करो ठीक तो है चार ऑप्शन से पहला है द फादर ऑर्डर दैट हिज सन शुड बी डूइंग ड्यूटी ठीक है है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? Advised होगा, ठीक अब कईयों को जो है अभी लग रहा होगा कि ऑर्डर सही होगा दोनों का जरा एक बार आप ऑर्डर वाला जो है इन दोनों का जो है आप एक बार ग्रामेटिकली देखिए सही है या नहीं क्या कह रहा है his son should be doing duty. ठीक है हम कभी भी जो है इसके टेंस को चेंज नहीं करते राइट नेक्स्ट right? है द फादर ऑर्डर टू हिज सन दैट टू डू हिज ड्यूटी दोनों ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है <coughs> तो यहां पर देखिए टोल्ड तो हम नहीं लिख सकते हैं ठीक है क्या हो जाएगा एडवाइस्ड तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर गए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर प्रधान सेट आई शैल गो टू डेली टूमोरो अब यहां पर देखिए क्या है शैल वर्ड का यूज हुआ है है ना? तो शाल जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है शुड में यहां पर लिखा है वुड गलत है ठीक है यहां पर मस्ट यह भी गलत हो गया यहां पर शुड लिखा हुआ है एंड आगे यहां यहां पर पर क्या है है भी शुड है. तो आंसर आपका या तो सी से होगा या फिर डी से होगा शाल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा हमारा शुड में कन्वर्ट हो जाता है एंड आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर ही में ठीक है तो यहां पर क्या होगा सही आंसर दो ऑप्शन है मिस्टर प्रधान सेट दैट ही शुड हैव गॉन टू डेली द नेक्स्ट डे ठीक है यहां पर है ही शुड गो देखिये कभी भी अगर आपका मॉडल्स का यूज होता है ना तो हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं जो भी आपकी मेन वर्ब है यहां पर गो जो है दिस इज योर मेन वर्ब तो इसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज शैल और ये किस में हो जाएगा शुड में बाकी आपका सेम टू सेम यही रहेगा राइट तो सही आंसर आपका क्या है ऑप्शन डी है यहां पर शुड हैव हाँ गॉन जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि तो ये फ्यूचर परफेक्ट का बन गया राइट फ्यूचर टेंसिज में हम लोग क्या करते हैं मॉडल ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज का ही जो है हम चेंज करते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है यहां पर वन वर्ड सबस्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये जो पूरा फ्रेज है इसको क्या जो है सब्स्टिट्यूट कर सकता है अ पर्सन विद स्ट्रांग डिजायर टू स्टील तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा मैनिया जो होता है बेटा आपका होता है डिजायर ऑफ समथिंग या फिर ऑब्सेशन ठीक है ऑब्सेशन होता है आपका मैनिया का मीनिंग अब देखिए यहां पर क्या है क्लेप्टोमेनिया ठीक है लोसोमेनिया ये मीलोमेनिया होगा एंड मेलेनोमैनिया यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज वॉट दैट इज क्लेप्टोमैनिया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा क्लेप्टोमैनिया होगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स यानी कि करता कोई है भुगतता कोई है तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं हम हिंदी में बोल देते हैं बली का बकरा राइट तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बेटा स्केप गोट तो स्केप बोर्ड वुड भी द करेक्ट आंसर होगा है आगे चलते हैं अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक ऐसा पर्सन जो जिसे म्यूजिक में बहुत ज्यादा स्किल्स है राइट जैसे कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं है ना जो पुराने आर्टिस्ट थे जो क्लासिकल सिंगर्स वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज वर्चूओ सो ठीक है तो इस सही इसका सही आंसर क्या होगा वर्चुओसो होगा आगे चलते हैं नक्स्ट से अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स ऐसा पर्सन जिसकी एबनॉर्मल हैबिट्स होते हैं जैसे मिस्टर बीन आपने देखा होगा तो उसके पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है व्हाई क्योंकि तो उसकी हैबिट्स ऐसी होती है जो सबसे अलग होती है दैट इज़ नॉट नॉर्मल राइट तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट एसेंट्रिक ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है वन हु वॉक्स इन स्लीप देखिए सोमना या फिर सोमनी वर्ड से जो भी आपका रिलेटेड वर्ड होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू स्लीप ठीक है किससे रिलेटेड होगा स्लीप से रिलेटेड होगा एग्जाम्पल जैसे कि हुआ आपने सुना होगा इन दैट इज इनएबिलिटी टू स्लीप राइट सोमनिया वो सोमनी वर्ड उसमें है राइट तो समथिंग दैट इज रिलेटेड रिलेटेड टू स्लीप उसमें वर्ड आपको देखेगा सोमना या फिर सोमनी ठीक है यहां पर देखो सोमना एंड सोमनी ये है राइट right? अब यहां पर देखो एम्बुलेंस जैसे एम्बुलेंस होती है एम्बुलेंस पता है एम्बुलेंस को हम एम्बुलेंस क्यों कहते हैं बिकॉज इट मूव्स अ पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस राइट तो यहां पर देखिए मूवमेंट से रिलेटेड क्या है आपका एम्बुल वर्ड है यहां पर लॉकस लॉकस जो वर्ड है बेटा लॉकेश यानी कि स्पीक ठीक है टॉकेटिव टॉकेटिव पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं लोकेशियस राइट तो सोमना एम्बुल्ड क्या हुआ अ पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीप सॉरी वॉक्स इन स्लीप जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं सोमना एम्बुलिस्ट और जो नींद में बात करता है उसे हम बोलते हैं सोमनी लॉक ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आपको जो है रीअरेंज -रे करना है यहाँ पर पैराग्राफ को आज मी वट आई वॉज एंड वेयर आई वोज बाउंड फॉर I met with a very aged man who, off the hill, called a difficulty when I came to the foot. ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन से आ, आ, जो है आपके सॉरी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है यहाँ पर एक पैराग्राफ के कुछ सेंटेंसेस को जो है डिसऑर्डर मैनर में लिखा हुआ है अब इसका जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करते हुए यहाँ पर इन गिवन ऑप्शंस में से जो है आपको करेक्ट आंसर देना है राइट right? अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं या तो सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होगा डी से स्टार्ट होगा या फिर ए से स्टार्ट होगा आस्क्ड मी व्हाट आई वाज एंड वेयर आई वाज बाउंड फॉर देखिए ये थोड़ा सा जो है मिसिंग है क्योंकि किसने पूछा यहाँ पर पता नहीं चल रहा है राइट right? तो ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया नेक्स्ट है ऑफ द हिल कॉल्ड डिफिकल्टी यहां पर देखिए आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है एक प्रपोजिशन से और फॉलोइंग द वर्ड ऑफ ऑर्डर आपने देखा होगा आपका जो सेंटेंस होता है वो किससे शुरू होता है या तो आपका नाउन से या फिर प्रो से होगा राइट right? तो यहाँ पर देखिए क्या है यहां पर आपका सी से भी नहीं होगा सो ऑप्शन ए एंड बी जो है दोनों कैंसिल आउट हो गए तो so, हमारे पास तीसरा आंसर है कौन सा दैट इज ऑप्शन डी तो यहाँ पर क्या बन रहा है आई केम टू द द फुट ऑफ हिल I met with a very aged man who asked me what I was and where I was bound for। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट बन रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा डी सी बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते है रीअरेंज सेंटेंसेस आपको अगेन जो है रीअरेंज करना है यहां पर जो ये वाला

ठीक है अब इसके साथ में देखिए क्या है इन हिज ऐसे नाउन है नाउन के बाद में क्या आ सकता है काल सेगन ने अपने ऐसे में क्या कुछ करा होगा राइट right? यहाँ पर दो सिवियरिटी सेज यहाँ पर वर्ब है ठीक है दैट राइट तो इसके बाद में देखिए हमारे पास क्या आ सकता है दैट इज क्यों राइट तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए अब इसके बाद में या तो आर आएगा या फिर पी आएगा अब आज देखिए क्या है पूरा पढ़ लेते हैं एक बार कार्ल सेगन इन हिज एसे सेज दैट वी डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड ठीक है यहां पर या तो ये हो सकता है द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम या फिर दैट देखिए वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए अंडरस्टैंड दैट द नेक्स्ट जनरेशन में बी बैडली अफेक्टेड हम्म यहां पर क्या होना चाहिए आपको पी आना चाहिए राइट right? क्या आना चाहिए सेट द नेक्स्ट जनरेशन में बैडली अफेक्टेड जो है यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा ठीक है पूरे को एक बार पढ़ लेते सेगन इन गिज एसे एज दैट वी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द दिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट द नेक्स्ट जनरेशन में बैडली अफेक्टेड एंड दैट द ओनली ओनली सोल्यूशन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन राइट तो यहां पर सही आंसर क्या है आपका SQPR ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउस फैसिलिटीज स्ट्रगलिंग टू कीप अप इनफ्लक्स ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन विद द इंक्रीजिंग आपको इसमें बताना है किससे जो है आपका पूरा ये सीक्वेंस बनेगा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है SP और R राइट यानी कि SP और R, -R इनसे जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा यहां पर देखिए क्या है हाउसिंग फैसिलिटीज यानी कि ये क्या है आपका नाउन है इसकी पॉसिबिलिटी है इससे स्टार्ट हो नेक्स्ट है इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड नेक्स्ट विद द इंक्रीजिंग अब देखिए एस से तो स्टार्ट होगा नहीं ना ही आर से स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा आपका पी से स्टार्ट होगा तो जो पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर देंगे अब इसके बाद में देखिए क्या है बाद में क्या आ रहा है क्यू आ रहा है दोनों में ही राइट right? तो क्यू क्या है हमारे पास hmm. तो यहां पर हम पूरा ऑर्डर लिख लेते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज ठीक है स्ट्रगल टू कीप अप द इंक्रीजिंग इनफ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन राइट सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर एंड इज पी क्यू एस आर तो सही आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुड अर्ज यू एंड टेक नो फर्दर एक्शन सिंपेटिक व्यू टू टेक अ वेरी ऑफ द मैटर अगेंस्ट हर यहां पर जो है, ये वाला आपका जो है, है। आपको इन चारों में से जो है बताना है या तो आर से शुरू हो रहा है या फिर एस से शुरू हो रहा है राइट इन दोनों में से होगा तो क्या हो सकता है आई वुड अर्ज यू ठीक है या फिर टू टेक अ ठीक है देखो यहां पर ये जो है क्यू जो है बड़ा ही एबसर्ड सा लग रहा है है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा आई वुड अर्च यू ठीक है टू टेक अ वेरी सिंपेथेटिक व्यू एंड टेक नो फर्दर एक्शन ये तो नहीं होगा ठीक है सिंपेथेटिक व्यू व्यू ऑफ वट दैट इज ऑफ द मैटर अगेंस्ट हर एंड टेक नो फर्दर एक्शन तो यहां पर आपको ऑर्डर क्या बना दैट इज आर क्यू एस एन पी तो आर क्यू एस एन पी यहां पर कहा है ऑप्शन सिंह तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी नेमराज कैप्चर द होल इंसिडेंट कम्प्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए अ शॉक व्हेन एड चॉक वेन अ मेट्रो स्टेशन हाउ एवर इट इवेंचुअली बैकड आउट एंड रन अवे अनहार्मड अनहार्मी नोज हाउ इट मेड टू इन टू द स्टेशन तो यहां पर देखिए क्या है डी बी या फिर ए से जो है आपका स्टार्ट होगा ठीक है डी बी और ए तो यहां पर देखिए क्या है सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर द होल इंसिडेंट कौन सा इंसिडेंट मिसिंग है राइट right? तो आपका ए तो होगा नहीं गॉट एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन ये हो सकता है स्टेशन भैया कौन आ गया स्टेशन में ये यहां पर मिसिंग है राइट तो आपको किससे स्टार्ट हो सकता है बी से स्टार्ट हो सकता है तो ए और डी जो है दोनों कैंसिल आउट हो गए अब या तो देखो बी के बाद में डी आएगा या फिर ए आएगा ठीक है कंप्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन ए डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन ठीक है फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है नोबडी बडी नोज हाउ इट मेड इन द स्टेशन हाउ इट इवेंचुअली बैक आउट एंड रन अवे अन हाउट The whole या तो ये हो है. Next और क्या हो सकता है हमारा बी एडीसी कम्प्यूटरिया गॉट अ डियर इंटर अ मेट्रो स्टेशन सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर द होल इंसिडेंट ठीक है नेक्स्ट क्या है नोवनी नोज हाउ इट मेड इट मेड इन टू द स्टेशन हाउ एवर इट एवेंचुअली बैकड आउट एंड रन अवे अन्य तो दोनों में से अगर मैं सुटेबल देखूं तो हमारा बी डी सी ए वाला जो ऑर्डर है वो ज्यादा सुटेबल है सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है सेंटेंसेस को जो है कन्वर्ट करना है ठीक है एज पर द गिवन डायरेक्शन अब यहाँ पर देखिए क्या है आपको इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा कंपाउंड सेंटेंस में देखो कंपाउंड सेंटेंस आपका क्या होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जिन्हें फैन बॉयज वाले कंजंक्शन से कनेक्ट किया जाता है फैन बॉयज का मतलब क्या हुआ यहां पर फैन बॉयज का मतलब है कि हमारे दो कोऑर्डिनेटिव सॉरी हमारे जो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं उनकी मैंने ये आपको न्यूमोनिक की ट्रिक बताई है दैट इज फैन बॉयज एफ स्टैंड फॉर फॉर ए स्टैंड फॉर एंड नॉर एन बी का हुआ बात ओ आर ओर वाई स्टैंड फॉर ये एंड एस स्टैंड सो ठीक है तो जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करते हो इन से तो हमारे पास जो सेंटेंस बनकर आता है दैट इज अंबाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको जो है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा राइट right? अब यहां पर देखिए क्या है यहां पर बोल रहे हैं एवरी वन नोज दैट द अर्थ इज राउंड राइट अब यहां पर देखिए जो है दैट वर्ड का यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन राइट तो यहां पर यह जो सेंटेंस है आपका ये किस तरह का है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको जो है आपको कंपाउंड में कन्वर्ट uh, करना है यानी कि इसमें कैसा कंजंक्शन हो फैन बॉयज वाला तो यहां पर देखिए एंड का यूज किया गया है राइट ए स्टैंड फॉर एंड राइट तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन डी होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है समय राइट मोर नीटली दैन एनी अदर बॉयज इन द क्लास अब इसको जो है आपको किसमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है मोर नीटली हमें दिया हुआ है दिस इज एन एडवर्ब और एक कौन, कौन सी एडवर्ब है आपकी Comparative degree की, इसको आपको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं एज डाश या फिर सो so डाश का यूज करते हैं राइट right? और बीच में यहाँ पर क्या होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है यानी कि यहाँ पर जो है मोर हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एज नीटली एस राइट या फिर सो नीटली एस राइट यहाँ पर देखिए क्या है देन

टल इसको जो है आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं वी आर नॉट विद दैट राइट तो चार ऑप्शन से देखिए पहला है नॉट ऑल ह्यूम आर मॉर्टल नॉट ऑल ह्यूम आर इमोर्टल ह्यूमन इज इमोर्टल एंड ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल राइट तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं नॉट वर्ड का यूज करते हैं बट हमें जो है सेंटेंस की मीनिंग को जो है सेम रखना होता है अब इसमें यहाँ पर क्या बोला है ह्यूमन इज मॉर्टल यानी कि ह्यूम जो है वो अजर अमर नहीं है राइट right? तो यहां पर अगर मैं नॉट का यूज करूंगी तो वी विल यूज ऑपोजिट ऑफ मॉर्टल, जो कि क्या होगा इमोर्टल तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा नॉट और इमोटल ठीक है नॉट ऑल ह्यूम आर इमोर्टल सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हुआ है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय लव्ड हिज पेरेंट्स अब इसको जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है नेगेटिव में देखिए हम जो नॉट वर्ड का यूज करते हैं वो किसके साथ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में फॉर एग्जांपल ही इज नॉट सिंगिंग ही इज नॉट लिसनिंग एटसेट्रा राइट अब यहां पर क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है डायरेक्ट एक मेन वर्ब है सो so, जब किसी सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होता है तो वी यूज द वर्ड्स डू डज या डेड अब ये जो है आपको पास टेंस का है तो यहां पर हम जो है किसका यूज करेंगे did का राइट right? तो यहां पर हो जाएगा डेड नॉट अब यहां पर डेड नॉट कहा है एक तो यहां है यहां है ठीक है यहां पर डस और ये ये दोनों कैंसिल आउट हो गए ठीक है तो हमें कभी भी जो है नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यहां पर क्या कह रहा है दैट अजय लव्ड हिज पेरेंट्स ठीक है तो यहां पर जो है क्या होगा इसका आपको जो है लव्ड वर्ड का ऑपोजिट ढूंढना होगा एंड नॉट का यूज करेंगे तो यहां पर देखिए लव का ऑपोजिट क्या होता है हेट और यहां पे डिड नॉट वर्ड का यूज हुआ है सो ऑप्शन ए वुड बी द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर होगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शी फ्रेट मी रिस्पेक्टफुली में कह रहे हैं। हाँ, तो इसको जो है आपको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है ठीक है रिस्पेक्टफुली क्या है बेटा हमारा एडवर्ब है ठीक है जैसे होता है हमारा वर्ड ब्यूटीफुली ठीक है ब्यूटीफुली क्या है बेटा एडवर्ब है इसका एडजेक्टिव क्या होगा ब्यूटिफुल होगा राइट right? और ब्यूटी क्या हो जाएगा इसका नाउन हो जाएगा राइट right? तो हमें कह रहा है रिस्पेक्टफुली का क्या होगा रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्ट राइट तो हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए रिस्पेक्टफुल यहां पर रिस्पेक्टफुल वर्ड का यूज हुआ है सो ऑप्शन बी बी वुड द करेक्ट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम कैन रन डैश बेटर देन आई डू ही इज अ प्रोफेशनल रनर अब यहां पर जो है आपको एडवर्ब लगानी है यानी कि बेटर यहां पर क्या है एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए एक एडवर्ब की नीड है ठीक है तो कौन सा लगा सकते हैं मोर बेटर देखो मोर तो यूज होगा नहीं क्योंकि हम दो कंपेरेटिव डिग्रीज को साथ में नहीं लिखते तो मोर बेटर नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट फार बेटर वेरी बेटर या मोर बेटर देखो ये दोनों तो होंगे नहीं ठीक है अब है वेरी एंड फार देखो वेरी के साथ में जो है हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते राइट तो वेरी भी नहीं होगा तो हमारे पास सही आंसर क्या है आपको है कौन सा वाला जो है सही यहाँ पर जाएगा तो चार ऑप्शन है लुक्स अप लुक्स इन टू लुक्स आफ्टर या लुक्स फॉरवर्ड टू लुक्स अप का मतलब क्या होता है जब कोई किसी पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपने बिजी होने के बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती है तो ये तो गलत हुआ नेक्स्ट है है लुक लुक का मतलब होता है किसी भी कोई भी कोई मैटर हुआ या कोई भी टॉपिक है तो लुक इंटू का मतलब हुआ कि आप उसके थ्रू जो है पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना एंड लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब आप किसी का आ, किसी का रिप्लाई जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है जीके? होप कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो यहां पर फॉरवर्ड टू भी नहीं होगा सही आंसर क्या होगा लुक्स आफ्टर तो प्रभा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स इवन आफ्टर हैविंग अ बिजी स्केड्यूल प्रभा का जो है बिजी स्केड्यूल है बट स्टिल शी टेक्स केयर ऑफ पेरेंट्स नेक्स्ट है द बेबी स्लेप्ट डैश ठीक है द बेबी स्लेप्ट डैश तो आपको बताना है भाई कैसे सोया बच्चा साउंड पीस क्रैडल या फिर साउंडली साउंडली वुड बी द करेक्ट आंसर साउंडली hmm, क्या है यहाँ पर दिस इज एन एडवर्ब और एक वर्ब को क्वालिफाई क्या करते करते हैं हैं एक एडवर्ब साउंडली ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर गिवन वर्ड्स के साथ में जो है आपको यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन का यूज बताना है अच्छा यहां पर जो है यहाँ पर ब्लैंक्स नहीं दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पर एमबार्क ऑन अ न्यू जर्नी यहाँ पर यह आना, चा, आना चा यह था आना चाहिए था नेक्स्ट है पेरेंट्स शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट के बाद में ब्लैंक आना था द शर्मा हैव एंटर्ड अ एंटर्ड के बाद में एक आएगा प्रपोजिशन एंड रिकनसाइल के बाद में आएगा ठीक है तो पहला क्या है जया ठीक है यहां पर जया होगा जया डिसाइडेड टू डैश अ न्यू जर्नी यहां पर बताने कौन सा प्रपोजिशन होगा ऑन अ न्यू जर्नी होगा ठीक है तो एक हमारे पास क्या है वन तो ए का वन कहां पर है

ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बाकी को भी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट है पेरेंट्स शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देयर चिल्ड्रेन एंड इट कैन गेट क्वाइट डिफरेंट टू रिकनसाइल विद सर्टेन पीपल तो डी का क्या हो जाएगा फोर तो यहां पर सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको जो है यहां पर बताना है सही आर्टिकल कौन सा होगा ए एंड द या जीरो या नो आर्टिकल यहां पर देखो बोला है एनसीसी कैडेट तो जो आपका एब्रिवेशन भी यूज होता है ना उसकी भी हमें होती है बट जो जो क्या बोल रहे हैं हम इसे इसकी साउंड कैसी है साउंड नहीं है किसकी साउंड है एन की है राइट right? एन सीसी -सी। हिंदी में भी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको एन ऐसे ही एन सी सी राइट right. तो यहाँ पर क्या है बेटा साउंड है इसकी सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर आर्टिकल एल यूज किया जाएगा आ, 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 आपको आगे बताना है कि जो ये गिवन वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम बताने पहला वर्ड है पैम्पर पैम्पर का मतलब क्या होता है अच्छे से रखना जैसे होता है ना राजा बाबू टाइप जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से रखा जाता है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा पहला है स्कोल्ड यानी कि डांटना डिस्करेज इसका तो होता है एनकरेज राइट नेक्स्ट है नेग्लेक्ट अब देखो नेगलेक्ट क्या होता है इग्नोर करना पैम्पर करना क्या होता है ध्यान रखना ठीक है करना इसका क्या है Opposite है ऑपोजिट right? राइट तो सही आंसर हमारे पास क्या है दैट इज ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है मेलन इसका जो है आपको एंटोनियम बताना है ठीक है तो मेलॉन का मतलब देखो क्या होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सैडनेस एंड डिप्रेशन

Elated से आया है, है? तो 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 जैसे हम बोलते हैं ना यानी कि ठीक क्या हुआ बेटा? Happiness, right? तो इसका आपको क्या बताना है बेटा बताना तो synonym क्या होगा पहला है despair, delight, expel या ठीक है? यहां पर सही आंसर क्या होगा डिलाइट आई एम फीलिंग डिलाइटेड आई एम फीलिंग हैप्पी सो ये इसका सही आंसर होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेलेक्ट द द ऑप्शन दैट गिव्स क्लोजेस्ट मीनिंग टू दिन डेइफर का आपको बताना है डिफर का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज को आ, जैसे होता है ना कुछ डिकोडेड चीजें होती है तो उनको आप खोल लेते हैं राइट right? तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है डी जैसे क्लू वगैरह होता है वो मोर्स कोड के बारे में आपने सुना होगा तो मोरस कोड जो होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है तो आप जब किसी चीज का हिडन मीनिंग निकाल लेते हो तो उसे हम कहते हैं डिसाइफर करना राइट right? और इसका क्या होगा बेटा डी होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दो दिस ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल इट हैज डैश टेक्सचर तो कैसा टेक्सचर है टेक्सचर देखो क्या हुआ यू आर ई पर एंड हो रहा है दिस इज ए नाउ तो यहां पर आपको ऐसा वर्ड यूज करना है जो क्या हो एडजेक्टिव हो पहला है वूल दिस इज नाउ

डिस्प्ले करने, करने की या यूज करने की नेक्स्ट से अनसेरेमस यानी कि समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सेरेमनी एंड नेक्स्ट है एपेटाइजिंग का मीनिंग क्या होता है जिसको देखते ही खाने का मन करे तो खाना जो है बहुत अनएपटाइजिंग लग रहा था इसलिए किसी ने भी खाना नहीं खाया तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर हुआ है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू इन डू द राइट ठीक है तो ट्रस्ट इन गॉड होगा ट्रस्ट विद गॉड होगा ट्रस्ट एट गॉड होगा या ट्रस्ट बाय होगा ट्रस्ट इन होगा इसमें है ना तो इन वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हे हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ है द एक्यूज वॉज डैश एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस कह रहा है कि जो अक्यूज है उसको बेल मिल गई ठीक है उसे छोड़ दिया क्योंकि जो काउंसिल है उस वो जो है विटनेस नहीं लेकर आ पाया गवाह को जो है मौजूद नहीं करा पाया तो चार ऑप्शन से बेटा पहला है लेट आउट लेट ऑन लेट ऑफ लेट या लेट असाइड तो लेट ओफ। ओफ जो है दिस इज रिलेटेड टू सेपरेशन राइट सो ही वॉज लेट ऑफ यानी कि उसको भेज दिया गया था सो लेट ऑफ जो है इसका सही मीनिंग होगा लेट ऑफ का मतलब क्या होता है टू नॉट पनिश समबडी लेट आउट का मतलब होता है कि किसी चीज को एंड करना ठीक है नेक्स्ट है लेट ऑन कोई सीक्रेट बताना तो लेट ऑफ जो है वो सही उसेज है एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा लेट ऑफ होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा डैश थाउजेंड स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज है ठीक है तो एज मैनी एज होगा एज मैनी थाउजेंड स्पीशीज होगा एज मच एस होगा या मच एस होगा देखो यहाँ पर स्पीशीज की बात हो रही है पहली बात तो जो है स्पीशीज यहाँ पर देखो बोला थाउजेंड स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई है तो यानी कि आप स्पीशीज को काउंट कर सकते हैं so noun, right? तो के साथ में आप कभी भी मच का यूज तो नहीं करते राइट right? यहाँ पर मच का यूज नहीं होगा अब दो ऑप्शन है एज मेनी एज या फिर एज मेनी एज मेनी थाउजेंड स्पीशीज या फिर एज मैनी तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या है एज मेनी है, राइट right? क्योंकि as many, तो incorrect हो गया, right? so, क्योंकि ये countable noun है और एज मैनी एज दोनों में से जो करेक्ट यूसेज जिसका लग रहा है वो कौन सा है दैट इज एज मेनी एज ठीक है बी द करेक्ट आंसर ओवर है तो यहां पर जो है हमारे ये एम एम टी

फंडामेंटल हो गुडविल हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो माई फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सर कंपनी अकाउंट्स की कंपनी अकाउंट्स में आता है दोस्त आपका इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ डिवेंचर एज वेल एज रिडेमशन ऑफ डिवेंचर आफ्टर दैट दोस्त आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की चीज यानी कॉम्परेटिव कॉमन साइज के भी प्रॉब्लम्स आते हैं ऑपरेटिव ऑब्लिक कॉमन साइज देन अकाउंटिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी आएगा रेशियो की अगर हम बात करें वो भी आएगा एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है और लास्ट हमारा जाते जाते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो सभी टॉपिक्स के हम लोग एमसी यूज करने वाले हैं तो सबसे पहला है द फ्रेज मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी दोस ऑन फॉर एवर मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे कंपनी यूं ही चलती रहेगी यानी कोई आए कोई जाए कोई मर जाए कोई इंस्टॉलमेंट हो जाए कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा फीचर कंपनी का बताता है तो दोस्त परपेचुअल सक्सेशन मतलब ऐसी चीज जो चलती ही रहे जिससे किसी के आने और जाने से फर्क ना पड़े तो लिमिटेड लाइबिलिटी इस चीज को नहीं बताती सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी नहीं कॉमन सील भी नहीं क्योंकि ये का का फीचर माना जाता है कंपनी दोस्त Profit for last three years are given below. पिछले तीन साल के प्रॉफिट्स आपको यूं दिए हुए हैं 12000 9000 और 5,000 और साथ में दी हुई है कुछ एडजस्टमेंट यानी एबनॉर्मल लॉस जैसी चीज दी हुई है आपको 2000 की जिसको आपको जोड़ देना चाहिए यानी 12000 में 2000 का एबनॉर्मल लॉस जोड़ेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड रुपीज बारह हजार में टू थाउजेंड जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा दोस्त सिक्स थाउजेंड रुपीज नौ हजार में से तीन तो हजार को माइनस क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं दोस्त और एबनॉर्मल गेंस माइनस होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि तो सर ये वो लॉसेस है जो आगे नहीं होंगे और ये वो गेंस है जो आगे हो ना हो पता नहीं है तो एबनॉर्मल लॉसेस हमारे क्योंकि ये नॉर्मल लॉसेस नहीं है बिजनेस के ये किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से हुए हैं जो कि हम आगे प्रिकॉशन लेकर चलेंगे या फिर ऐसे लॉसेस को होने ही नहीं देंगे नेक्स्ट फाइव थाउजेंड रुपीज का हमारा प्रॉफिट है बट उसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ा हुआ है आठ हजार का ट्रीटेड एज रेवेन्यू यानी पांच हजार में आठ हजार को हमने पहले कभी माइनस कर दिया था तो उसको जोड़ना पड़ेगा अगर इससे रिलेटेड कोई डेप्रिशिएशन नाम की चीज दी होती तो उस डेप्रिशिएशन को मैं माइनस कर देता यही, की है। यही रेक्टिफिकेशन कर कर। प्लस ही रेक्टिफिकेशन तेरह हजार रुपए का ये हो गया तो पहले में में से में से दो चौदह हजार चौदह तेतीस थर्टी थ्री थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया पूरा। पिछले तीन साल के को जोड़े और उसका एवरेज निकाले फिर मल्टीप्लाई कर दें थ्री में बेसिकली मैं अगर बात करूं तो तीन साल के प्रॉफिट ही गुडविल है बट ये जैसा चाहता है हम वैसा करना पड़ेगा चौदह और छब्बीस और तेरह तैतीस तेतीस हजार डिवाइडेड बाई तीन क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछ ले ना कि गुडविल एग्जाम में आपसे तो यहाँ तो सिंपल सा आपका तेतीस हजार का तेतीस हजार आ गया बट अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्त इलेवन थाउजेंड आएगा इसका एवरेज प्रॉफिट बट यहाँ गुडविल पूछ रहा है आपसे तो सिंपली थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड इज योर तो अमाउंट ऑफ गुडविल एक हज़ार शेयर है दस रुपए वाले कॉल्ड अप यानी पूरे पैसे मांगे आपका शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो रुपीस से होगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ दो रुपए पर शेयर पूरे मांगे तो ये जो कॉल है बेटा वो फाइनल कॉल रहा होगा यानी कॉल से नाम का जो क्रेडिट होगा वो हजार इंटू दो हजार रुपए आउट ऑफ दिस आठ सौ शेयर वर रीइश्यूड इनमें से आठ सौ शेयर रीइश्यू हुए दोस्त सात रुपए पर शेयर पर इनमें से 800 हंड्रेड शेयर री इशूड हुए पर शेयर फॉरफ्यूचर तो, तो, आप तो आपको शेयर फॉरफ्यूचर में आएगा दोस्त हजार इंटू दो हजार इंटू दो कैसे सर जो पैसा मांगा वो शेयर कैपिटल में डेबिट जो नहीं मिला वो कॉल एरिया में तो बचा कौन था शेयर फॉरफ्यूचर अब आठ सौ शेयर के हिसाब से सात रुपए में री हुए तो आप 800 सौ इंटू सात तो बैंक में डालोगे 800 सौ इंटू सात किस में डालोगे बैंक में बट शेयर फॉरफ्यूचर में कितना आठ सौ इंटू तीन तो शेयर कैपिटल में कितना दस सर? सर कहीं फुल्ली पेडअप तो लिखा नहीं है बेटा वो शेयर दस रुपए वाला ही है वो शेयर टेन रुपीज वाला ही है उसे फुली पेडअप लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है तो ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज का आपका क्या है दोस्त लॉस है आपका आठ हजार में से चौबीसौ मत घटा देना क्योंकि आठ हजार का प्रॉफिट है दोस्त हजार शेयर पर मैं शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूं अगर आप एंट्री से करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एरिया टू शेयर फॉरफीचर ये शेयर फॉरफ्यूचर का अमाउंट है फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल अब तो सिंपली अमाउंट ही पूछ रहा है अमाउंट के लिए मैं ऐसे कर रहे हैं आठ हजार रुपए का प्रॉफिट है हमारा ये कितने शेयर पर हजार पर आठ सौ शेयर इशू करें तो सिर्फ कितने का निकाला मैंने आठ सौ शेयर का 800 शेयर का प्रॉफिट निकाल के माइनस कर देंगे इसका लॉस जितना भी है वो लॉस कितना है 2400 कैसे निकाला लॉस सर दस रुपए का शेयर अगर सेवन रुपीज का बिकेगा तो तीन रुपए का जाहिर सी बात है लॉस होगा और लॉस को हमें माइनस करना पड़ेगा सारे जीरो से सारे जीरो सिक्सटी फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फोर हंड्रेड इक्वल टू चार हजार का माई फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व फोर थाउजेंड रुपीज का बच्चे ये क्या है आपका कैपिटल रिजर्व फोर थाउजेंड रुपीज का क्या है आपका कैपिटल

प्रीमियम पर दो दोस्त सिंपल तो सा व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इचर्स ऑफ हंड्रेड इच आर प्रीमियम प्रीमियम एंड तो आपसे पूछ इशूट्रीटियम लॉस ऑन इशू लॉस ऑन इशू का मतलब क्या होता है दोस्त लॉस ऑन इशू का मतलब होता है जो पैसा हमें एक्स्ट्रा देना है प्रीमियम पर करना है यानी ये रिडीम करना है डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करना है वो पैसा हमारा लॉस ऑन इशू में डेबिट होता है और प्रीमियम और रिडेमशन में क्रेडिट होता है लॉस ऑन इशू में डेबिट होता है और प्रीमियम और रिडेमशन में क्रेडिट होता है वो पैसा कितना है दोस्त टेन परसेंट सौ रुपए का दस परसेंट होता है टेन रुपीज ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम पूछता क्वेश्चन में तो तीन रुपया होता आंसर और और प्रीमियम पूछ रहा है दस कई बच्चे दस में से तीन माइनस कर देते हैं वो गलत तरीका है बिल्कुल भी जितना प्रीमियम और एडेंशन में जा रहा है उतना ही लॉस ऑन इशू में जा रहा है बट अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू होता अगर ये तीन परसेंट का डिस्काउंट होता तो आंसर तेरा हो सकता था अगर डिस्काउंट ऑन इशू होता तो आंसर तेरा हो सकता था दोस्त थर्टीन नेक्स्ट एस पर द गाइडलाइंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी

वो इन्वेस्टिंग में यानी अगर आपकी चालीस हजार की बुक वैल्यू वाली एसेट पचास हजार की बिकी तो दस हजार का गेन है वो गेन जो है टेन थाउजेंड रुपीज का वो ऑलरेडी पचास हजार के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ एसेट्स के नाम से ऑलरेडी पहुंच चुका है यहां से उसे हटा दो डबल इफेक्ट हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट फॉलोइंग फॉर्मुलाइज करेक्ट इनमें से कौन सी चीज एकदम सही है तो न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग बच्चे कई बार कंफ्यूज हैं सोचते गलत है उनको लगता है सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू यही सही है बेटा अगर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू है मुझे बताओ अगर इसको इधर लियाओं तो माइनस का हो जाएगा इसको इधर लिया होगा तो प्लस का हो जाएगा तो यही तो फॉर्मुला है ओल्ड माइनस न्यू भाई ओल्ड माइनस न्यू सैक्रीफाइसिंग अगर न्यू को इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा और sacrificing को ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा यानी ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं अब न्यू की बात करूं तो ओल्ड प्लस गेनिंग तो ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड करूंगा तो गेनिंग निकल कर आएगा तीनों ही फॉर्मूले एकदम सही है मतलब आपको माइनस वाली चीज प्लस की तरफ कर दी और प्लस वाली चीज माइनस की कर दी आपको याद दो ही रखनी है ओल्ड माइनस न्यू सैक्रीफाइसिंग और न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग तो न्यू माइनस ओल्ड करूंगा तो गेनिंग आ जाएगा ना प्लस में जी सर इधर ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो उधर सेक्रीफाइसिंग चला जाएगा तो तीनों ही फॉर्मुले आपके सही है बेटा ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट इनमें से कौन सा सही है एक या दो या तीन या चार कौन से डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर सेम हाँ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का होता है पुरानी पार्टनरशिप खत्म नई चालू, या चालू। यानी एडमिशन हो रहा है अगर पार्टनर का तो पुराने वाले एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं न्यू रेशियो निकाला जाएगा रिटायरमेंट हो रहा है अगर पार्टनर का तो पुराना पार्टनर चला जाएगा न्यू रेशियो आ जाएगा डेथ हो रही है किसी पार्टनर की तो एक पार्टनर मर जाएगा यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन भी इसे ही बोलते हैं और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इसे ही बोलते हैं इसे डिजोल्यून ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलते है. तो पहला एकदम लाइन सही है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑफ आर सेम ये सेम नहीं होते दोस्त इसमें पूरी फॉर्म खत्म हो जाती है पर इसमें फॉर्म चलती रहती है या तो नया पार्टनर आ जाता है या पुराना चला जाता है या कोई मर जाता है

तो नेट एसेट्स कितनी है नेट एसेट्स 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 कितनी कितनी है है बेटा? बेटा? इस 70, की एसेट्स को आप नब्बे हजार रुपए में परचेज कर रहे हो तो बीस हजार रुपए की चीज क्या है गुडविल है तो दोस्त बीस हजार से गुडविल डेबिट की जाएगी आपकी बीस हजार से गुडविल क्रेडिट तीस से नहीं होगी क्योंकि तो एक लाख पांच में से पैंतीस तो सत्तर ही तो बचे दस में से तीन के साथ

जब हम जीपी निकालते हैं तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू जीपी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू जीपी जीपी रेशियो इज पच्चीस इतना बड़ा क्वेश्चन है कि घूम फिर कर हमें क्या कैसे करना है मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी बट मुझे सबसे पहले बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप बस इतना बता दो तो काम बन जाएगा सर जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स या रेवेन्यू इंटू हंड्रेड जीपी अपॉन सेल्स या रेवेन्यू इंटू हंड्रेड यानी पच्चीस प्रतिशत है आपका जीपी हमें पता नहीं है सेल्स हमें पता नहीं है और मल्टीप्लाई हंड्रेड करके कर बेटा जीपी एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी यानी ऊपर भी, भी जीपी है और नीचे भी जीपी है यानी अगर मैं जीपी को जीपी को अगर मैं के या एक्स या कुछ मान लू तो काम बन जाएगा यहाँ पर क्योंकि पिचहत्तर हजार है आपका प्लस के इंटू हंड्रेड तो बेसिकली इंटू हंड्रेड तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा पच्चीस परसेंट दिख जाएगा के अपॉइन पिचहत्तर हजार प्लस के यानी इस वाली की मैं अगर बात करूं पच्चीस इंटू सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस पच्चीस के इक्वल्स टू हंड्रेड के प्योर मैथमेटिक्स से चल रहे हैं हम लोग उधर ले जाऊंगा तो ये आएगा दोस्त सेवेंटी फाइव के और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पच्चीस इंटू पचहत्तर हज़ार को एक बार कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं दोस्त पच्चीस हजार तो जीपी बेटा आपका कितना आ रहा है निकलकर पच्चीस हजार जीपी अगर पच्चीस आ रहा है तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स कितनी आ जाएगी आपकी एक लाख इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर जीपी बेटा रेवेन्यू पर पच्चीस है जीपी अगर रेवेन्यू पर पच्चीस है तो कॉस्ट पर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट होगा या फिर वन थर्ड होगा जीपी अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर पच्चीस परसेंट है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर तेतीस पॉइंट तेतीस परसेंट या वन थर्ड होगा याद कर लो जीपी अगर रेवेन्यू पर कम है तो कॉस्ट पर ज्यादा होगा ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था अपनी नॉर्मल क्लासेस में जब पढ़ाया था आपको थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और वन थर्ड इस वैल्यू वैल्यू में सीधे वन थर्ड कर दोगे इस वाली वैल्यू में सीधे वन थर्ड कर दोगे तेतीस पॉइंट तेतीस परसेंट निकालोगे तो भी ये पच्चीस हजार ही निकलेगा यानी अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं यहां पर तो रेवेन्यू इक्वल्स टू रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी यानी पचहत्तर हजार प्लस पच्चीस हजार इक्वल टू एक लाख ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला लगाओगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला लगाओगे देखो जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर हो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हो ट्रेड पेबल टर्नओवर हो कोई भी टर्नओवर रेशियो फिक्स एसेट टर्नओवर हो नेट एसेट टर्नओवर हो उसमें बेटा रेवेन्यू या रेवेन्यू जैसी चीज रेवेन्यू या रेवेन्यू जैसी चीज रेवेन्यू या रेवेन्यू जैसी चीज का मतलब क्या है या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट परचेज इस टाइप की चीजें ऊपर आती है और दूसरा जो आइटम होता है लाइक इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है वो नीचे आएगा अगर इन्वेंट्री टर्न होता तो एवरेज इन्वेंट्री आती ट्रेड रिसीवेबल टर्न होता तो ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवल आता डब्ल्यूसी वो आपको क्वेश्चन में चार टाइम्स दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने एक लाख निकाल लिया तो आपका जो डब्ल्यू सी होगा उधर चला जाएगा यानी डब्ल्यू सी इक्वल टू एक लाख डिवाइड बाई चार डब्ल्यू सी इक्वल्स टू एक लाख डिवाइड बाई चार पच्चीस हजार का क्या आ जाएगा बेटा वर्किंग कैपिटल और अगर वर्किंग कैपिटल पच्चीस हजार आया है तो सी ए माइनस सी एल का फॉर्मूला लगाओ सी एल की जगह मेरे बच्चे लिख दो आप पंद्रह हजार वर्किंग कैपिटल का लिख लिख वर्किंग कैपिटल में दो क्योंकि से बढ़ाया हमने। सर इतना था हाँ बेटा, इतना होने वाला नहीं है पच्चीस प्लस पंद्रह जोड़ दो चालीस हजार आएगा फोर्टी थाउजेंड इज योर करेक्ट आंसर एक बार सॉल्यूशन को देख लेंगे मैंने दोनों अल्टरनेटिव मेथड से कराया तेतीस पॉइंट तैतीस परसेंट या वन थर्ड लेकर भी और दूसरा तरीके से मैथमेटिक्स के भैया जीपी को जीपी मान लो या के मानो एक्स मानो मैं एक्स नहीं मानता ना के मानता हूं हूं के आज भी ठीक है चलो नेक्स्ट द मेजर हेड ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज इन द बैलेंस शीट सर कॉल्स इन एडवांस का वो पैसा जो हम शोल्डर से ड्यू डेट से पहले ले लेते ले हैं उस पैसे को हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं दोस्त उस पैसे को हम कहा शो करते हैं अदर करंट लाइबिलिटी बट अदर करंट लाइबिलिटी हेड होता है तो पहले नंबर पर है सब हेड पूछता तो मैं यही मारता बट वो आपसे हेड पूछ रहा है मेजर हेड में कंफ्यूज मत हो जाना हेड की बात पूछ रहा है जब भी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ध्यान देना वो सब हेड पूछ रहा है हेड हेड पूछ पूछ रहा है। पूछ रहा है है तो मेन हेड आएगा सब हेड पूछ रहा है और कभी कभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी लिख सकता है वो आपको ठीक है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इस टाइप की चीजें हटाकर वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी लिख सकता है नेक्स्ट पॉइंट ए और बी दो पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोथ थ्री टू टू माथ फ्रेंड्स पार्टनर फॉर वन फोर शेयर माई फ्रेंड्स हु ब्रॉट कैपिटल ऑफ चौबीस हजार माई फ्रेंड्स चलिए सर किस बात का चल रहा है ट्रेंड तो कैपिटल तो ए और बी की है वो चालीस हजार और अट्ठाईस को एडजस्ट करो कैसे एडजस्ट करोगे सर सबसे पहले आप सी की कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे सर चौबीस हजार की कैपिटल सी की उल्टा कर दो उसके शेयर का कितना आएगा 96,000. अब इस 96,000 की कैपिटल को अब न्यू रेशियो में बांट दो न्यू रेशियो निकालना जानते हो क्या? न्यू रेशियो निकालना जानते हो क्या? जी सर इससे रिमेनिंग शेयर आ जाता है इससे रिमेनिंग शेयर में मल्टीप्लाई कर दो दोनों दो पार्टनर का यहाँ आ जाएगा नाइन अपॉइट ट्वेंटी यहाँ आ जाएगा सिक्स अपॉइन्ट ट्वेंटी तो नाइन इस टू सिक्स इस टू फाइव नौ और पांच तो नाइन अपॉइंट ट्वेंटी इससे बेटा डायरेक्ट में न्यू रेशियो वाली कैपिटल निकलवा रहा हूं जो आप क्लास ट्वेल्थ में लास्ट में एडजस्टमेंट किया करते थे नौ बटे बीस नौ अठे बहत्तर तैतालीस दो सौ चौबीस सौ तो बेटा ए की कैपिटल के हिसाब से तैतालीस हजार दो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड लाने चाहिए बी की कैपिटल के हिसाब से अट्ठाईस हजार आठ सौ यानी अट्ठाईस हजार आठ सौ रुपए लाने चाहिए यानी इसको तीन हजार दो सौ और लाने है घर से और उसको आठ सौ और लाने क्योंकि इनका पहले का पैसा है चालीस हजार और चाहिए हमें तैतालीस दो सौ इनका पहले का पैसा अट्ठाईस हजार और चाहिए हमें 28,800 सौ सर अगर अमाउंट कम आते हैं इनसे यानी अगर यहाँ थर्टी सिक्स थाउजेंड आता तो चार हजार तो करता है और अगर यहां पे सत्ताईस हजार आता तो एक हजार करता है एंड बी बिल ब्रिंग बत्तीस नहीं सर सिर्फ ए को बत्तीस सो लाने ए विल ब्रिंग बत्तीसो एंड बी विल ब्रिंग आठ सो हाँ सर करेक्ट आंसर यही है देख A, B 800, यह तो सही बोल रहा है बत्तीस सो गलत बोल रहा है बी विल ब्रिंग बत्तीस सो एंड ए विल विद्रॉ आठ सौ सर ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि ए विल ब्रिंग बत्तीस एंड बी विल ब्रिंग आठ दोनों ही पार्टनर पैसे लेकर आएंगे ए लेकर आएगा थर्टी टू हंड्रेड एंड बी लेकर आएगा आपके आठ सौ रुपए तो तभी इसकी कैपिटल नाइनटी सिक्स थाउजेंड बनेगी यानी चालीस और अट्ठाइस अड़सठ और चौबीस नाइनटी टू थाउजेंड थी

एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ पैंतालीस हजार इन कैश देखो जब भी कोई पार्टनर तो को को एसेट ले जाता है तो हम उस पार्टनर को डेबिट करते हैं रियलाइजेशन को क्रिएट करते हैं जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो हम उस पार्टनर को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो उस पार्टनर को डेबिट करते हैं रियलाइजन क्रिएट करते हैं बट इन कैश लिखने की वजह से हमारे पास पैसा आ जाता है फिर वो चाहे बाजार में बेचा हो या कोई क्रेडिटर लेकर पैसा दे जाए हमें या बैंक ले जाए और पैसा दे जाए या हमारा पार्टनर ले जाए और पैसा दे जाए हमारे पास पैसा आया यानी बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा दोस्तों करेक्ट आंसर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता अगर वर्ड कैश नहीं होता तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता अगर वर्ड कैश नहीं होता तो चलिए दोस्तों सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो नहीं है नहीं है 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 नहीं 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 है नहीं है चलिए कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम इन दोनों को जोड़ दूँ अगर मैं तो टोटल इनकम आ जाएगी हमारी यानी टोटल रेवेन्यू बोलो टोटल इनकम बोलो माइनस करने है सर इसमें से खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस के यानी दोनों खर्चों को क्या कर देना हमें माइनस चवालीस लाख यानी इकसठ में से चवालीस गए चवालीस सात इक्यावन और इकसठ सत्रह लाख पचास हजार रुपये इस सत्रह लाख पचास हजार में पैंतीस परसेंट का बेटा क्या लगाया हुआ है हमने पैंतीस परसेंट का क्या लगाया हुआ हमने टैक्स लगाया हुआ है तो सत्रह पचास का आधा करूं तो आठ पचहत्तर होता है और सत्रह पचास चलो एक दो मिनट में कर ही लेते सत्रह लाख पचास हजार इंटू पैंतीस प्रतिशत छह लाख बारह हजार पांच सौ छह लाख बारह हजार पांच सौ का टैक्स कट जाएगा तो 500 का 500 आ गया 50 में से 12 गए सैंतीस हजार पाँच आ गया और इधर आपका 17 में से छह ग्यारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ इलेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इलेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज आंसर तो करेक्ट आंसर इज इलेवन लैख सेवन थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट और लॉस मतलब एकदम लास्ट वाला जो आफ्टर टैक्स पेमेंट हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है दोस्त नेक्स्ट

और फिर निकलेगा मेरे बच्चे सुपर प्रॉफिट यानी ये काम आपको करने पड़ेंगे तो सर सबसे पहले हमारा आया पॉइंट 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 फिर B point, फिर A point, CBA, फिर D और फिर और e. तो e, e, e. सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना होता है ताकि आपके ईयरली प्रॉफिट सही हो अभी हमने किया था ना स्टार्टिंग में भाई एबनॉर्मल लॉस को जोड़ा था एबनॉर्मल गेन को घटाया था और एडजस्टमेंट करा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मानकर प्रॉफिट को कम कर लिया था हमने बढ़ा दिया था जी सर हमने उसको ऐसा किया था उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला यानी पहला ये काम फिर यह काम क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड थी नहीं नॉर्मल प्रॉफिट था नहीं और सुपर प्रॉफिट की बात नहीं थी अगर होती थी, तो हम पहले नॉर्मल निकालते फिर super, फिर सुपर गुडविल चलिए सर आगे बढ़ सकते हैं क्या जी आइडेंटिफाई दर्म दैट मीन इंटरफॉर्म कंपेरिजन इंटरफॉर्म कंपेरिजन को किस तरह हम लोग डिनोट करते हैं सर इंटरफॉर्म कंपेरिजन मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस नेक्स्ट पॉइंट मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू

Concern की मदद से फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन चलिए सर आगे बढ़ते ए एंड बी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन थ्री रेशियो टू दे एडमिट सी एज पार्टनर फॉर वन शेयर इन द फ्यूचर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी बच्चों को इसका आंसर याद हो गया वैसे तो बारह आठ पांच है बट एक बार हमको कर कर देख लेना चाहिए <coughs> क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है को बेटा जब एलसीएम लेंगे तो वो फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सर डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड क्या है सर? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो है चाहे कोई भी फॉर्म हो आउटफ्लो एंड इनफ्लो नहीं ऑलवेज आउटफ्लो हाँ कैन बी आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं ऑपरेटिंग में तो जाते ही नहीं हमेशा आउटफ्लो होगा कोई भी एंटिटी हो चलिए सुल्तान एंड बादशाह दो भैया कौन कौन आया है सर सलमान खान शाहरुख खान पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो डू देर कैपिटल फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू पच्चीस लाख एंड बीस लाख बहुत बढ़िया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट टेन परसेंट पर अलाउ किया गया दस परसेंट पर हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड इकतीस मार्च तक द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ छत्तीस हजार अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड टू सुल्तान एंड बादशाह मेरी बात समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 25 लाख पर निकालोगे 10 परसेंट तो निकलेगी ढाई लाख और 20 लाख पर 10 परसेंट निकालोगे तो निकलेगी दो लाख यानी आपको साढ़े चार लाख रुपए की क्या देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी बट आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ छत्तीस हजार रुपए तो क्या पॉसिबल है कि छत्तीस के प्रॉफिट में से साढ़े लाख के इंटरेस्ट दे दो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है तो आप इस कम प्रॉफिट को जब हमारा प्रॉफिट कम और हो कम और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो तो ऐसे में क्या याद रखते हैं सर ऐसे में याद रखते हैं कि हमारे इस रेशियो का कोई काम नहीं है इस छत्तीस हजार को हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो मार दो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है फाइव रेशियो फोर यानी छत्तीस हजार को हम फाइव अपॉइंट नाइन और फोर अपॉइंट नाइन में बांटेंगे तो नाइन फोर जै थर्टी सिक्स तो ये आ जाएगा बीस हजार और ये आ जाएगा सोलह हजार ट्वेंटी थाउजेंड एंड सिक्सटीन थाउजेंड रेस्पेक्टिवली आगे बढ़े चलो टू मिनट की समरी में आपको यही बोलूंगा कि सर गुडविल के सभी फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए कौन से फॉर्मूले होते हैं सर एपी हो या एस पी हो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से या फिर अगर ये परचेज ईयर ही ना हो तो सर हम एस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हंड्रेड में और डिवाइड कर सकते हैं एन में या फिर हम लोग अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू से माइनस कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को या फिर सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है हमारे एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर कर हंड्रेड का और डिवाइड कर कर एनआरआर का ये आपको काम करना चाहिए जब आप क्या निकालोगे अपनी गुडविल निकालोगे दूसरी बात गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आपको याद होनी चाहिए कि सर न्यू पार्टनर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू तो ए बी यानी ओल्ड पार्टनर जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो रिटायरमेंट के टाइम पर सर रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा गुडविल के अमाउंट से भी प्रॉफिट के अमाउंट से भी डब्ल्यू सीआर जनरल रिजर्व से भी तो इस सारी चीजें आपको बेसिकली याद रखनी चाहिए रिवीजन में में आपको अपने चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज करने चाहिए को कोई है नहीं और मजे लो जिंदगी और इसी के साथ खत्म करते हैं अपने आज का सीरीज नमस्कार तो है, है so मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके हमारे सी मेगा मॉक टेस्ट नंबर सेवन में So, कैसे हाल चाल बाल को आज का मॉक टेस्ट थोड़ा यूनिक होगा ठीक है जी बाकी से क्योंकि हमारे जो आपके क्वेश्चन है ना थोड़े अच्छे हैं मजेदार हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से क्वेश्चन है ठीक है तो आर यू ऑल एक्साइटेड बाल को आप सब लोग तैयार है क्या आज के इस बेहतरीन से मॉक टेस्ट के लिए चलिए सर बिल्कुल तैयार होंगे तो भैया बिना किसी टाइम को वेस्ट करे मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लाने जा रहा हूं लेकिन आई रिक्वेस्ट ईच एन एवरी वन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि भैया एक बार कॉपी पेन लेके बैठना कुछ इंपॉर्टेंट बने तो नोट करते जाना हैंड टू हैंड अगर आप लोगों ने हमारी ऐप के ऊपर ये सॉल्व कर दिया बहुत बढ़िया बात है और अगर नहीं किया है तो हैंड टू हैंड करने का ना ठीक बाल है बालको चलिए जी शुरू करते हैं सर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है विथ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक इज इंक्लूडेड इन चार्जर विद आईपॉड आईपैड ठीक है तो क्वांटिटी गिफ्ट लकी ड्रॉ सैंपलिंग या फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन गाइस ठीक है जी और मैं आपको देने जा रहा हूं यहां पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने सेकंड्स सर मैं आपको दूंगा यहां पर ट्वेंटी सेकंड्स ठीक है जल्दी शुरू करिए भैया जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट हाँ जी तो क्या रहा क्या आंसर लिख तो जी क्वांटिटी गिफ्ट लकी ड्रॉ सैंपलिंग या फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा सही जवाब चलिए सर सो पहले क्वेश्चन को जो आंसर है मेरे भाई देखो क्वांटिटी गिफ्ट में एक बार सारी देता हूं क्वांटिटी गिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए बाय थ्री गेट वन फ्री बाय फोर गेट टू फ्री टू टू ऑफ टू है ना दो पे दो मिल जाएंगे टू प्लस टू तो वो सेम क्वांटिटी सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है सो इट विल बी काउंटेड इन द इट विल बी काउंटेड इन द क्वांटिटी गिफ्ट गाइस ठीक है जी द नेक्स्ट वन इज लकी ड्रॉ ड्रॉ लकी तो बिल्कुल अलग ही हो गया कि हम लोग लकी ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो जीतेगा उसको गिफ्ट मिलेगा ठीक है सैंपलिंग का मतलब क्या होता है जी फ्री सैंपल देना ताकि आपकी कंजप्शन हैबिट इंक्रीज हो और आप उस प्रोडक्ट को खरीदें ठीक है जी द करेक्ट आंसर इज बाल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री ठीक है जी बालको तो चार्जर फ्री है किसके साथ सर जी आईपैड के साथ विल बी गाइस डी डी होगा बालको बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है गवर्नमेंट इज एक्टिवली एडवर्टाइजिंग फॉर जागो ग्राहक जागो विच कंज्यूमर राइट इज हाईलाइटेड इन द गिमेंट बाल को राइट टू सेफ्टी राइट टू सीक्रेट दरअसल राइट टू बी इन्फॉर्म या फिर नन ऑफ द बाल को जल्दी से जवाब देंगे सही सही जल्दी 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 दस सेकंड दिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा दस सेकेंड हांजी सिर्फ दस सेकेंड मिलेंगे आप लोगों को रिगार्डिंग बात करते तो सेफ्टी की तो कुछ बात होने नहीं यहां पर जागू ग्राहक जागू जो है एडवर्टीजमेंट निकालता है और लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन्स वगैरह टीवी के जो आज, आज कैंपेन्स होते हैं वो चलाता है ठीक है तो बेसिकली देखा जाए तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन आंसर है क्या आंसर है मेरे भाई राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या यहां पर दे रखा है नहीं दे रखा सर तो करेक्ट आंसर क्या होगा नैन ऑफ द ठीक है जी नैन ऑफ द जो है बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि हमारा आंसर जो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन वो मैं नहीं है ठीक है ओके इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बनता है मेरे भाई करेक्ट आंसर बनता है डी आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं सर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन कर इन इनकरेक्ट है आपको सोच समझ के जवाब देना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन सुपीरियर्स कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स टू सबिनेट एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन ठीक है लेटर कम्युनिकेशन हेल्प इन सोल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज सबॉर्डिनेट ज डायगेनल कम्युनिकेशन हाँ जी बालको तो कौन सा सही जवाब होगा कौन सा गलत जल्दी जवाब दीजिए फटाफट फटाफट गाइज क्या होगा सही जवाब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गलत क्या है आपको यह बताना है जल्दी जी सर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं बिल्कुल सही सर जी गलत नहीं है ठीक है पे सर। सर। सर in सही बात है सर. Lateral communication क्या है क्या करता जी? एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच के जो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं जो वगैरह होते हैं, उसे solve करने में है करता है। है ठीक जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है सो दिस इज द डाइनल कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है सर जी ये वाला भी सुपीरियर कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट सुपीरियर जो है

देखो मैं ना बोल रहा आज के क्वेश्चन थोड़े क्रिस्पी हैं मजे आएंगे ठीक है तो बने रहना टिके रहना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालको डैश इज अ सिचुएशन वेयर इट लीड्स टू मोर प्ले लेस वर्क डैश इज अ सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर तो जो आ, पे वर्क जहां पैसा ज्यादा मिलता है और कम काम करना पड़ता है ठीक है जी मोर पे लेस वर्क अंडरस्टाफिंग नेगेटिव मोटिवेशन ओवर स्टाफिंग या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब हां जी क्या होगा सही जवाब सोच समझ के जवाब देना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी चलो अंडर स्टाफिंग होगा अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या है कि जितने लोग चाहिए उतने लोग हैं नहीं कम लोग हैं हमारे पास सर कम लोग होंगे तो बाकी लोगों के पे काम ज्यादा होगा और पैसा उन्हें कम मिलेगा तो वर्क मोर पेलेस ठीक है जी ओके तो ये हमारी स्टेटमेंट का उल्टा हो गया सर तो अगर अंडर स्टाफिंग उल्टा है तो ओवर स्टाफिंग की बात कर लेते हैं सर हमें चाहिए एक बंदा हमारे पास है पांच बंदे जरूरत हमारी एक की है लेकिन हमारे पास है टोटल पांच लोग एक ही काम करने के लिए जबकि उसको एक बंदा भी कर सकता है तो क्या होगा जी पांच लोग जो होंगे तो पर पर्सन वर्क कम है और पैसे उनको ज्यादा मिलेंगे है ना तो ये सिचुएशन जो है वो ओवर स्टाफिंग की सिचुएशन है गाइस ठीक है सो ओवर स्टाफिंग इज द करेक्ट आंसर बाल को ठीक है धन्यवाद हो गया क्लियर हो गया सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज इन इंडिकेटेड इन बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड द इनपुट एंड बिजनेस फंडवाइड्स द आउटपुट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हेल्प इन कोपिंग विध रैपिड चेंजेस हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज या फिर हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस क्या होगा बालको चारों में सही जवाब जल्दी से बताइएगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ दस सेकेंड ही देने वाला हूं ओके okay, फटाफट जल्दी से बाल को चले

सो द करेक्ट आंसर भाई सी सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है ठीक है और जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है ना उनके लिए मैं पर्सनली तालियां बजाना चाहता हूं क्योंकि मैंने फिर बोला था ना क्रिस्पी क्रिस्पी ठीक है जी क्रिस्पी क्रिस्पी आज मजेदार क्वेश्चन है चलो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंपनी इज नॉट लाइकली टू डिक्लेयर अ हायर डिविडेंड किस कंपनी किस सिचुएशन के अंदर किस सर्कमस्टांस के अंदर कंपनी जो है हायर डिविडेंड नहीं देगी so when the earnings of the company are high, when the cash flow position of the company is strong, when company have higher growth prospect, या फिर none of these बाल को क्या होगा सही जवाब? जल्दी बताइए please, everyone जल्दी बताइए please, under which of the following circumstance a company is not likely to declare high? किस केस में कंपनी high डिबिडेंट डिक्लेयर नहीं करेगी? चलो पढ़ते हैं सर

तो मतलब वो डिविडेंड कम देगी ज्यादा करेगी तो जो सी आंसर है है वो बिल्कुल सही जवाब भैया ठीक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट तो ऑर्डरिटिकॉप जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब बाल को फिर से बोल रहा हूं क्रिस्पी क्रिस्पी जल्दी जल्दी हां जी, विच प्रिंसिपल इज ओवरलूड बाय द मोहन वेन ही ओपन स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल्स तो भैया कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक कर रहा है मोहन कि अगर वो किसी भी लेवल के किसी भी बंदे से अगर बात कर रहा है तो सही कहीं ना कहीं सर जी ऑर्डर तो नहीं क्योंकि ऑर्डर कहता है कि हर एक चीज और हर एक इंसान की अपनी जगह होनी चाहिए तो ये तो नहीं है

पूछा क्या है जी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट टू कंज्यूमर्स प्रेफरिंग डार्क डार्क कोको लिमिटेड प्रोडक्ट ठीक है ऑन द ईव ऑफ दिवाली डार्क कोको लिमिटेड डार्क कोको लिमिटेड ऑन द ईव ऑफ दिवाली डार्क कोको लिमिटेड चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट ठीक है जी इन द मार्केट which drew a large number of buyers okay to meet the rising demand the company hired workers from nearby villages where there was a high level of unemployment because of the management good behavior but the employees more and more wanted to work for the company because the product were in high demand in the market a competitor imitated them okay consumer did uh, consumer did not accept the competitors product because डार्क कोको लिमिटेड प्रोडक्ट वॉज कंसिडर्ड स्टेटस सिंबल सिंबल है। है से टू दूमर्स एडवांटेज ऑफ डैश टू दूमर्सिंग के एडवांटेज नहीं पड़े सर hmm. पहले प्रमोशन की बात करते प्रमोशन के ऐसे कुछ एडवांटेज तो नहीं है सर जी ठीक है पैकेजिंग जी, पैकेजिंग तो स्टेटस सिंबल पैकेज को दिखाकर दिखाकर दिखा हम लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं सो गाइस सी ब्रांडिंग ब्रांडिंग जो होगा मेरे भाई बिल्कुल, सही बिल्कुल होगा। में लिखा, cost, training, या right. जी प्राइवेट प्लेसमेंट कमर्शियल कमर्शियल पेपर राइट इशू या फिर डेवलपमेंट फंक्शन माल को जल्दी बताइए प्लीज क्या क्या होगा सही जवाब इनमें से किसी एक को भी देख के बताओ क्या होगा सही जवाब हाँ जी चलिए तो शुरू करें भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर जी देखो प्री राइट और यहां पर भी लिखा है राइट इशू देखो राइट इश्यू के अंदर क्या होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को प्री एम्पिटिव राइट देते हैं कि भैया मैं जा रहा हूं शेयर मार्केट के अंदर शेयर इशू करने के लिए लेकिन उनसे पहले उनको इशू करूं उससे पहले आप मेरे पहले से इन्वेस्टर हो तो अगर आप में से कोई मेरे शेयर्स खरीदना चाहता है इससे पहले कि मार्केट में जाके बेचूं तो आपको मैं एक राइट देता हूं कि आप उनसे पहले खरीद सकते हो और मार्केट प्राइस से कम खरीद सकते हो दिस right. so, हो गया मेरे भाई डी का हो गया थर्ड अब डी का थर्ड जो पीसी केस में है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं सर फ्लोटेशन कॉस्ट सर कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसे बोरो करती है ताकि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट से पैसा उठाने में जो पैसा लग रहा है उसको भी कर सके सो so, फर्स्ट का हो गया मेरे भाई सेकेंड तो अब तो पता लगेगा होगा बाल आपको आंसर क्या है आपका आंसर सी है और मैं फिर बोलता हूं कि एक से भी आप आंसर ले लो लेकिन श्योरिटी चाहिए तो कम से कम दो सॉल्व कर लो और करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई सी है सी जो है बाल बिल्कुल सही जवाब है आगे सॉल्व नहीं करेंगे सेकंड्स बचाने हमें सेकंड्स चलो द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डेट एन इंटरव्यूअर इन्वेस्टर मस्ट प्रोवाइड टू द ब्रोकर ओपनिंग अकाउंट इज आधार कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉटर वाटर बिल या फिर पैन कार्ड बाल को जल्दी से बताएंगे हलवा पूरी खाएंगे हाँ जी क्या होगा सही जवाब तो मेरे भाई देखिए यहां पर पैन कार्ड डिटेल्स जो डिटेल देनी पड़ती हैं जो जो डी है बिल्कुल सही जवाब है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए वाले पैन कार्ड की डिटेल्स बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए हमें पैन कार्ड डिटेल्स जो है सबमिट करनी पड़ती है नेक्स्ट वन डेविएशन आर सेट टू बी पॉजिटिव इन नेचर डेविएशन जो है बालको पॉजिटिव कब होगा डेविएशन चैप्टर नंबर एट कंट्रोलिंग

जब परफॉर्मेंस ज्यादा होती है बालको स्टैंडर्ड से तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मेरे भाई पॉजिटिव डेविएशन ठीक है जी ओके प्लान परफॉर्मेंस इज मोर देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द प्लान परफॉर्मेंस बालको सो so, बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है जी डन है क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तारा लिमिटेड स्पेसिफाई द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इट लीड्स टू द्लेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज एम्प्लॉज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इंडिकेटेड डिविजनल फॉर्मल इनफॉर्मल या फिर फंक्शनल बाल को जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब एवरीवन जल्दी बताओ तो ये लोग किस किसमें फोकस कर रहे हैं भैया दे आर फोकसिंग मोर ऑन वर्क इंटरपर्सनल रिलेशन तो आपसी संबंध से ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं काम के ऊपर ठीक है जी तो इनफॉर्मल नहीं आएगा डिविजनल में तो ए, दो प्रोडक्ट होते हैं फंक्शनल फंक्शंस की बात भी नहीं कर रहा लेकिन यहां पर फॉर्मल की बात की जा रही है क्यों क्योंकि भैया लोग ज्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं और रिलेशनशिप पर कम फोकस कर रहे हैं सो द कर आंसर विल बीज बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाल को मनोज इज वर्किंग एज अ रीजनल मेजरेंटिस्को लिमिटेड he influences the behavior of his team to get the task performed. State the level and function he is performing. Lower controlling, middle organizing, lower staffing, middle directing. Regional manager hai mere bhai Regional manager influence kar raha hai logo ke behavior को. Regional manager जो है लोगों के behavior को influence कर रहा है. तो देखो सारे managers वगैरह कहाँ पर आते हैं सर? Middle level पे आते हैं. अब अगर middle level पे आते हैं सारे managers तो ये वाला गलत हो गया. और सर जी ये वाला भी गलत हो गया अब बताया तो मिडल लेवल ऑर्गेनाइजिंग, लेवल डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स होते हैं को, जी डायरेक्टिंग है मिडिल लेवल रीजनल मैनेजर और वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब लीडरशिप लीडरशिप मतलब डायरेक्टिंग करेक्ट आंसर क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई डी डायरेक्टिंग जीरियल जॉब कौन सी बाल को जॉब जो है ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग बोतेन बी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स जल्दी बताइए बाल को मैं आपको दस सेकेंड देता हूं फटाफट हांजी चलिए सर सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है हम किस पे देते हैं जी सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है बालको हम लोग देते हैं टेक्निकल मशीन्स वगैरह के केस में टेक्निकल मशीन्स वगैरह होती है ना उस केस में हम लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं सर उस केस में हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ठीक है जी ओके एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर मैनेजर पोस्ट में तो भैया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सही है यार? है ना पहले सारे सिचुएशन के स्टडी पढ़ाई जाएंगी उसके बाद एक्चुअल वर्क प्लेस पर भेजा जाएगा तो मुझे जो तक लगता है बालको क्या मुझे ये लग रहा है सो जो ए होगा बालको वो सही जवाब होगा ठीक है जी जो ए जो है बालको बिल्कुल सही जवाब है ऑफ द जॉब ठीक है ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये तो है ही नहीं चलो नेक्स्ट वन ओके क्वेश्चन क्या पूछा है सर क्वेश्चन uh, है

सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिंक करना फाइनेंसिंग डिसीजन से ये इंपॉर्टेंस है किसकी ये इंपॉर्टेंस और नीड है फाइनेंशियल प्लानिंग की ठीक है जी तो लिंकिंग द द इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसीजन विद फाइनेंसिंग एक तो ये हिंट था दूसरा हिंट क्या था जी कितना अमाउंट कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए ठीक है जी ये काम भी प्लानिंग के फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही होता है तो दो हिंट थे वालको और उस दो हिंट की वजह से मैं आंसर जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं सी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है मेरे भाई क्लियर है क्या क्लियर है क्या क्लियर है क्या, क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर. अगर क्लियर है तो एस मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिल्कुल सही बात है सर मोटिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बिकॉज इंडिविजुअल्स आर बिकॉज इंडिव्यूअल्स होमोजोनियस इन देर एक्सपेक्टेशन रिएक्शन सो क्या दोनों सही है और ए जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या ए सही है आर गलत है या ए गलत है या आर सही है जल्दी बताओ बाल को चलिए सर सो so, सर जी देखो सेकंड स्टेटमेंट जो होमोजीनियस की जगह यहां पर हेट्रोजीनियस तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई अब जब रीजन गलत हो गया तो जी कौन सा है आर इज फॉल्स सो द करेक्ट आंसर विल बी गाइस सी सी जो होगा मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाल को कंट्रोलिंग

सर देखो यहां पर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की तो कहीं बात नहीं कर रहा सर है ना जी हाँ तो ये कह रहा है कि भैया परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कोई डेविएशन निकल के आ रहा है तो उसको करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं अब करेक्टिव एक्शन लेंगे तो क्या होगा हाँ जी डेविएशन निकल के आ रहे हैं सर जी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी नहीं है अब या तो ये है या फिर ये है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई लिखा हुआ है वगैरह ले रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को डेविशन को निकाल रहे हैं ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके सो so, मेरे भाई डी जो होगा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब होगा अगर की बात करता तो शायद मैं जो है बी की तरफ जाता बट फिलहाल डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट ईबीआईटी एंड पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है जल्दी बताओ हां जी बाल जल्दी बताइए प्लीज तो एक बार फॉर्मूला देख लो भैया ईबीआईटी e में से अगर हम लेस करते हैं क्या सर लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट तो क्या निकल के आता है सर जी पीबीटी निकल के आता है पीबीटी में से लेस करते हैं सर जी क्या टैक्स तो क्या निकल के आता है सर जी टैक्स निकल के फिर आता है पीएटी अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है सर हमें दे रखा है इंटरेस्ट पंद्रह हजार ठीक है पंद्रह हजार मैंने इंटरेस्ट लिख दिया सर टैक्स दे रखा है हमें चार हजार चार हजार मैंने टैक्स लिख दिया ठीक है, ओके उसके बाद सर जीवी वन और हमें क्या निकालना है सर जी उसके बाद एक पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा है कितना दे रखा है सर जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अस्सी हजार दे रखा है ठीक है डन 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 अब अस्सी में से चार्जर कट गए भैया अस्सी हजार में चार्जर कट गए तो यहां पर हो गया कितना सर जी अस्सी हजार में से चार्जर कट गया तो सेवेंटी सिक्स थाउजेंड

Right 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 टे तो की बात नहीं कर रहा है उसको, उसको इंजरी नहीं हुई तो यह भी नहीं होगा सर उसको उसने मुआवजे की मांग नहीं करी तो ये भी नहीं होगा सर लेकिन हाउ उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली तो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू भी इंफॉर्म्ड ये सही जवाब होगा मेरे भाई ठीक है चलो

हाँ जी सर डायरेक्टिंग फंक्शन जो है एक्शन पुट करता है मतलब डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन ये तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड तो सही है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड और कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग तो यार प्रिपरेटिंग छोटी करता है कंट्रोलिंग तो करेक्टिव एक्शन लेता है ना तो ये वाला यहां पर मुझे खटक रहा है तो मुझे लग रहा है स्टेटमेंट वन जो होगी वो इनकरेक्ट होगी और सेकंड जो होगी होगी बालको करेक्ट सो वो बिल्कुल सही सही जवाब जवाब होगा होगा ठीक है जी ओके okay, तो ये बालको हमारे शानदार मेगा मॉक टेस्ट के बीस क्वेश्चन और कैसे लगे क्रिस्पी लगे कि नहीं लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा बालको ठीक है सो भैया थैंक यू सो मच

फिर उसके बाद आप रीड करोगे तो आपको फटाफट से आंसर मिल जाएगा तो हमेशा पहले क्वेश्चन को रीड करिए सो so, पहला क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लिया व्हाट ई वॉलेट स्टैंड फॉर यहाँ पे जो ई e वॉलेट है उसका मतलब पूछ रहे हैं इसमें तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की नीड भी नहीं है ई e वॉलेट का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट तो ये तो बिल्कुल आसान है ई e वॉलेट की फुल फॉर्म हमें बतानी थी तो ई e वॉलेट का मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट चल जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट डस क्वेश्चन पे ध्यान देना हमें व्हाट डस एन एफ एस स्टैंडोर यहाँ पे जो एन एफ एस है पूरे पैराग्राफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एन एफ एस दैट इज योर नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसका आंसर क्या आ जाएगा नेशनल फाइनेंशियल स्विच तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा तो सी इज दी करेक्ट आंसर तो पहले क्वेश्चन को रीड करिए हमेशा याद रखना क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा फिर पैराग्राफ पे जाना हमें तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ी चल क्वेश्चन क्या है विच अमंग इज नॉट अ इनिशियेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू गो कैशलेस कौन सा गवर्नमेंट ने इनिशियटिव नहीं लिया था अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यूर्स एक बार रीड कर लेना रीड कर चुकेटिव सचेज जन धन योजना अकाउं, अकाउंट जन धन अकाउंट ठीक है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ई वॉलेट है एन एफ एस ये सारे गवर्नमेंट ने लिए थे ठीक है ताकि इकोनॉमी क्या जा सके कैशलेस हो सके ताकि इकोनॉमी क्या हो सके कैशलेस हो सके लेकिन कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने नहीं लिया तो ये तो लिया आधार वाला भी ई वॉलेट भी तो कौन सा नहीं लिया डिमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी को फाइंड आउट करना मतलब ब्लैक मनी पकड़ी जाए हमारे देश से है ना तो ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करना मेन ऑब्जेक्टिव ये था ठीक है जी बट इनडायरेक्टली कैशलेस होगी थी क्योंकि लोगों को पैस पैसा नहीं था तो लोगों के पास एक ही सोर्स हो गया था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करना तो ये इनडायरेक्टली बट डायरेक्ट इनिशिएटिव नहीं था गवर्नमेंट का कैसे ठीक है डायरेक्ट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो ये थे ताकि इकनॉमी कैशलेस हो सके ठीक है लोग मतलब आजकल हम देखते हैं इकोनॉमी कैशलेस है डिजिटल है डिजिटलाइज पेमेंट हो रही है घर बैठे बैठे हम आजकल फोन से करते हैं जी पे पेटीएम ये क्या कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश चल जी अगला क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मनी इनमें से जो मनी नहीं है ई e वॉलेट है चेक डेबिट कार्ड कैश मेमो कैश मेमो कैश मेमो मनी नहीं है ये एक तरह से डॉक्यूमेंट है जहां पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करी जाती है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है तो कैश मेमो मनी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए फटाफट फड़ से विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द कैशलेस ट्रांजेक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारे देश में आज कैशलेस ट्रांजेक्शन होने लगी है तो सबसे ज्यादा अगर आप देखो आरबीआई कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक या फॉरन में हमारे देश का बाप कौन है बैंकों का बाप कौन है हमारे देश में आरबीआई रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम चलेंगे चलिए जी ये आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड वाला है रीड कर चुके हो अभी तक बट सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है हमेशा याद रखना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइडेंटिफाई क्या करना है द कैंपेन इनिशिएट जो लिया था 1958 में लिया गया था दैट एम टू दैट एम एट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ चाइना ऑन अ मैसिव स्केल ऐसी कौन सी कैंपेन लेके आई थी चाइना 1958 में जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करना इंडस्ट्रीज को बढ़ाना बहुत मैसिव स्केल में तो वो क्या था ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी तो आपको पता है ग्रेट लीव फॉरवर्ड कैंपेन था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना था चल जी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अंडर डैश स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड ऐसा कौन सा अगर मैं बात करूं कहाँ पे जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा गया था ठीक है कंट्री साइड में ताकि वो काम वगैरह सीख सके तो वो क्या था तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा द ग्रेट कल्चरल जो है उसको बोला गया था इसके अंडर जो है स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेशनल्स को भेजा गया था सो तो ऑप्शन नंबर ए तो बेटा ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपको इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे चलिए नेक्स्ट पे चलते बेटा फटाफट फड़ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंडर विस सिस्टम डिड द पीपल ऑफ चाइना डिड द पीपल ऑफ चाइना कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड कौन सा सिस्टम था अगर मैं बात करूं जहाँ पे चाइना में क्या होता है लैंड मतलब एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे जहाँ पे जो लोग है वो कट्ठे मिलकर फार्मिंग कर रहे थे कलेक्टिवली कल्टिवेटेड का मतलब है इकट्ठे मिलकर फार्मिंग कर रहे थे तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्यून सिस्टम कहते हैं अगर आपको पता है इसके अंदर क्या बोला गया था कि भाई तुम इकट्ठे मिलकर फार्मिंग करो तो काफी सारे ग्रुप बने थे है ना अगर आपको पता हो कितने ग्रुप बने थे लगभग अगर मैं बात करूँ नियरली लगभग ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड कॉम्यून्स वगैरह जो है बने गए थे ठीक है अंडर द एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छे से कर लेना ये भी आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ठीक है जी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था कॉम्यून सिस्टम यानी जो लोग हैं वो इकट्ठे मिलकर अब क्या कर रहे थे फार्मिंग कर रहे थे खेती बाड़ी कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द ईयर इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना तो आपको पता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे चाइना में बताइए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे तो हमें पता है वो 1978 के अंदर जो है चाइना के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ओके okay, जी नेक्स्ट क्वेश्चन uh, अगर आप देखें इन 2016 इन ऑर्डर टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ मोर एल्डरली पीपल इन proportion टू यंग पीपल वट मेजर चाइना has adopted? 2016 में क्या चाइना ने अडॉप्ट किया था तो अगर बेटा बात करी जाए 2016 से पहले अगर मैं बात करूं कौन से साल में 1979 के अंदर 1979 के अंदर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडोप्ट किया था क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हो गया था पॉपुलेशन में तो 2016 के अंदर चाइना ने इस पॉलिसी को क्या कर दिया खत्म कर दिया अब दो बच्चे अलाउड थे हेला तो यही था अब क्या था अलाउिंग पीपल टू हैव टू चिल्ड्रन अब दो बच्चे करना क्या थे अलाउ कर दिया गया था चाइना के अंदर ठीक है थी? दो चाइल्ड पॉलिसी एक तरह से ले आए थे जी नेक्स्ट क्या है इन केस ऑफ डैश देयर इज इंफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद द स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस क्या क्वेश्चन है इन केस ऑफ डैश हमें बताने कि, कि किसके अंदर देयर इज इनफाइनाइट डिमांड डिमांड जो है वो इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है इनफाइनाइट यानी ये वाली इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड कितनी भी जा सकती है थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा स्लाइटल राइज इन प्राइस जो डिमांड है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी ये बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है कि जो प्राइस है पीछे से तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है इससे ज्यादा जो है नहीं बेच सकते चाहे वो एक बोरी बेचे दो बोरी तीन बोरी चार बोरी जितना भी करें तो यहां पे जो डिमांड है वो कैसी है परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली क्या है इलास्टिक है तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक अगर ये वाली सिचुएशन होती इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बट ये नहीं है यहां पे ये वाला है परफेक्टली इलास्टिक है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर चल जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज मेड बाय अ रिच कंज्यूमर इट्स डिमांड जनरल अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो अमीरों के लिए तो उस उनकी डिमांड कैसी होती है थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ गया तो उनकी डिमांड में चेंज आएगा बहुत कम चेंज आएगा अमीर लोग हैं बहुत पैसा उनके पास अगर तो महंगी भी होगी चीज तो उनकी डिमांड कम तो होगी लेकिन बहुत कम होगी उनको फर्क नहीं पड़ेगा सौ रुपये की चीज डेढ़ सौ रुपये की होगी तो वो खरीदना बंद नहीं कर देंगे वो खरीद लेंगे तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता तो लेस इलास्टिक होती है उनकी डिमांड में कम चेंज आता है इलास्टिक मतलब चेंज कम चेंज आता है उनकी डिमांड में सो ऑप्शन नंबर ट्वेल्थ का क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर चल जी अब जल्दी से आगे आइए विच रिलेशन इज ट्रीटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू एक्सपेंशन का मतलब क्या डिमांड का बढ़ना राइट right? प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड पूरा पूरा आपको पता ही है वो पॉइंट नहीं मान लो आपका इनिशियल प्राइस आपकी इनिशियल क्वांटिटी आपका ए पॉइंट डिमांड बढ़ रही है तो कब बढ़ेगी जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ी जब प्राइस क्या होगा कम होगा तो आपकी डिमांड क्या होगी बड़ी इसको मैं बी पॉइंट दे देती हूं तो ये आपकी ये क्या आपकी डिमांड का तो मूवमेंट कैसी हो रही है डाउनवर्ड मूवमेंट है कि अपवर्ड मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट है तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है अलोंग द डिमांड का तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा चलिए नेक्स्ट क्या है अच्छा ध्यान समझिए शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग किस में होती है शिफ्टिंग किस में होती है इंक्रीज और डिक्रीज में ठीक है शिफ्टिंग याद रखना शिफ्टिंग चाहे लेफ्टवर्ड राइट वर्ड में होती है इंक्रीज डिक्रीज में होती है शिफ्टिंग uh, उसमें होती है इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड ठीक है मूवमेंट वाले उसमें या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या अपवर्ड मूवमेंट होगी डाउनवर्ड मूवमेंट तो अच्छे से टॉपिक को कर लोगे तो कुछ मुश्किल नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन अ कंट्री ऐसा इनमें से क्या है जो इंडिकेट करता है कि हमारे देश में एजुकेशन की अचीवमेंट हो रही है तो यूथ लिटरेसी रेट अगर हमारे देश में युवा पीढ़ी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा रेट बढ़ेगा तो अच्छी बात है अडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो ये भी एक एजुकेशन अचीवमेंट को शो कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन का रेट अगर हमारे देश में पड़ेगा तो ये भी क्या एजुकेशन की अचीवमेंट को शो कर रहे हैं और अगर ऑल ऑफ दीज तीनों ही आएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा नेक्स्ट क्या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या किया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया गया था फॉर ऑल द चिल्ड्रन कौन कौन से बच्चों के लिए छे से चौदह साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी थी छह से चौदह साल तक के बच्चों के लिए चल जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड इन डिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सीरीज ऑफ पॉइंट विच शोज इन डिफरेंस कर्व क्या होती है डिफरेंस कर्व क्या होते हैं विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड जो हमें इक्वल लेवल ऑफ दे दे या फिर सेम लेवल ऑफ तो ये क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट पड़ से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन डिफरेंस मैप क्या होता है आईसी मैप आपको पता है इन डिफरेंस मैप जिसमें बहुत सारी आईसी कर्व होती है विच शोज मेनी आईसी कर्व है ना इन डिफरेंस मैप क्या होता है कैसा ग्राफ जिसमें बहुत सारी क्या होती है आईसी कर्व होती है सो so, क्या है

किसके इक्वल है इनकम के नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर चल जी लास्ट क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन क्या है विच शोज किसके बीच में रिलेशन शो करता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन शो करते हैं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सो so, आज हमने

क्योंकि यहां पर अब ए बी डैश माइनस बी ए डैश लगा दिया गया है जनरली आपने बुक्स में क्वेश्चन देखा होगा कि जो ए बी माइनस बी ए के लिए तो जिनको वो कॉन्सेप्ट याद है तो तो वो क्वेश्चन इसको कुछ सेकंड्स में ही कर लेंगे बट मैं आपको उसका पूरा डिटेल पार्ट भी बताऊंगा कैसे करा भाई ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आएगा और जो बी ट्रांसपोज है वो हमारे पास बी के इक्वल आएगा और हमसे पूछा गया है इसको चेक करना है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें चेक करना होता है कि कोई भी जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसका नेचर क्या रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू तो आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होता है बट एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए बी माइनस बी ए बिकॉज बी डैश इक्वल है बी के और ए डैश इक्वल है ए के अब मुझे इसको चेक करना है इसका मतलब और अगर ये को याद हो तो आपको यह क्वेश्चन क्लास में भी करवाया जाता है ठीक है तो अगर आपको वो याद है तो आपको सीधा इसका आंसर पता है वरना जिस तरह से हम लोग उसको फाइंड करते हैं मैं आपको एक बार सॉल्यूशन पार्ट भी बताता हूँ कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश को चेक करना है मींस मुझे ए बी माइनस बी ए को चेक करना है तो मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला तो यह आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज अब हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ठीक है और सेम यहां पर ही हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अब बी ट्रांसपोज तो बराबर है हमारे पास किसके बी के ट्रांसपोज बराबर है के सिमिलरली ये भी ए बी माइनस कॉमन लूंगा मैं तो ये हमारे पास एक दूसरे के क्या आ गए नेगेटिव तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया स्क्यू सिमेट्रिक तो जरूरी नहीं कि आपको ए बी डाइश माइनस बी ए डाइश की टर्म्स में सॉल्व करना है थोड़ा सा दिमाग लगाइए ये आपकी बुक का क्वेश्चन बन जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x एंड b आर रियल नंबर्स और जो b है वो ग्रेटर देन जीरो है b ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास b है वो एक पॉजिटिव नंबर है b क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और बेटा जब भी इस तरह से मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमने सीखा हुआ है कि भी मोड हटा के प्लस माइनस लगा दीजिए तो इससे दो चीजें बनेंगी एक तो x ग्रेटर देन b आएगा और एक minus x ग्रेटर देन b आएगा अब क्योंकि बेटा b पॉजिटिव है तो जब माइनस में उधर भेजूंगा तो सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि अगर b लेस देन जीरो होता यानी b नेगेटिव होता तो जब मैं माइनस उधर भेजता तो ये हमारे पास साइन तो चेंज होता बट ये हमारे पास माइनस बी नहीं रहता प्लस बी होता क्योंकि अगर बी नेगेटिव होता तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाते इसलिए बेटा वो वहां पर बीट जीरो दे रखा है तो अगर, अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से इसका आंसर देखेंगे तो इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी एक जगह माइनस बी फिर बी छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में ग्रेटर देन देन का का मतलब ये वाला सारा रीजन, B का मतलब ये ये वाला वाला सारा सारा रीजन रीजन लेस माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों इंडिविजुअल रीजन ही हमारा आंसर है तो माइनस इंफिनिटी से माइनस बी क्योंकि ग्रेटर है इक्वल टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट और यूनियन सिमिलरली बी से इंफिनिटी तो यानी ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आया ओके फिर बेटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वेरिएंस का तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है इट इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और इस ई ऑफ एक्स को आपको पता है कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं तो बेटा ई ऑफ एक्सर तो इलेवन दे रखा है और ये आ गया थ्री का स्क्वायर यानी टू तो यानी हमारे पास, तो option C हमारे पास correct है बच्चा लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A random variable X has the following probability distribution, तो आपको बेटा के की वैल्यू बतानी है क्या है यहां पर तो बेटा हमारे पास सबको ऐड करके सम हमेशा क्या आना चाहिए वन कि भाई हमारे पास जो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा वन के तो जी के प्लस के टू के फोर के सेवन के सेवन के तक तो हो गया और ये थ्री प्लस में सेवन टेन के स्क्वायर फिर प्लस टू के इक्वल टू वन आ गया सो टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया अब बेटा इसकी मिडल टर्म स्पीडिंग कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके 10 और माइनस करके 9 तो प्लस टेन के और माइनस के फैक्टर बन गए टेन के कॉमन आ गया बचा क्या के प्लस वन माइनस वन कॉमन लिया के प्लस वन इक्वल टू जीरो तो जी के प्लस वन कॉमन आ गया बचा क्या टेन के माइनस वन इक्वल टू जीरो तो या तो के प्लस वन इक्वल टू जीरो या तो 10k minus 1 equal to 0 यहां से आई k की वैल्यू -1 बट ये रिजेक्टेड क्योंकि बेटा k तो, तो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और यहां से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10 तो हमारा आंसर आ गया सिर्फ 1/10 आपको ऑप्शन में बेटा -1 भी दिखाई देगा दिखा, बट ध्यान रखना कि k किसी की प्रोबेबिलिटी है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोरिटिकल क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो इरेगुलर वेरिएशन है मतलब जो कंपोनेंट है हमारे पास टाइम सीरीज का वो किसकी वजह से होता है क्या एंड स्ट्राइक की वजह से बिल्कुल क्योंकि भाई स्ट्राइक कभी भी हो सकती है लॉकआउट मतलब की जी फैमिली ओ, फैमिली कह रहा हूं कंपनी जो है हमारे पास उसी को ही क्या हो गया ताला लग गया ठीक है फिर कोई एपिडेमिक्स आ सकता है यस जो कोविड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है

तो मैथमेटिकल मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ इसका कि मार्जिनल प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा ये डेरिवेटिव होगा हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन के अब जो प्रॉफिट फंक्शन है बेटा वो क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस है तो हमारे को इसको क्यू के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है तो माइनस टू एज इट इज क्यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ गया टू और सेवेंटी इज क्यू का डेरिवेटिव वन तो आंसर आ गया माइनस फोर क्यू प्लस सेवनटी टू एक और डायरेक्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ठीक है जी फिर क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स तो को यहां पर बच्चे फंस जाते हैं कई बार अब अगर आप मैट्रिक्स को देखोगे तो आपको साफ दिखाई दे रही है कि एक डायगनल मैट्रिक्स है क्या है? एक डायगनल मैट्रिक्स फिर आप डायगनल का ऑप्शन देखते हो बट डायग्नल का ऑप्शन आपको मिलता नहीं है तो आप इसका आंसर मार्क कर देते हो नन बट अगर आप ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं ए कि ये है वन जीरो 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 टू जीरो एंड जीरो जीरो फोर तो जब मैं ए एड फाइंड आउट करूंगा ठीक है तो मैं ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो बन गई सेकेंड कॉलम और थर्ड रो बन गए थर्ड कॉलम तो यार अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह हमारे पास क्या है

तो जब माइनस उधर जाएगा तो इन को चेंज होना पड़ता है अब नंबर लाइन बनाते हैं इधर हमारे पास ग्रेटर टू नाइनस नाइन ये आ गया अब जब भी कुछ कॉमन पोर्शन बीच में आता है तो आंसर इज ऑलवेज द कॉमन पोर्शन सो देर फोर एक्स किस से बिलोंग करेगा 9 से 9 के बीच में और क्योंकि इक्वल टू है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा बट ऑप्शन में आपको इस तरह से दे रखा है तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। बी में रिकॉर्डेड एट ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के उस पर जो इक्वली टाइम की जाती है तो ना वो एरोडेटा ना वो अर्थोमेट्रिक जोमेट्रिक बट वो हमारे पास क्या है टाइम सीरीज यही तो हमने डे, डेफिनेशन पढ़ी थी टाइम सीरीज की ठीक है जब आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम बोलते हैं वो टाइम सीरीज कहलाती है कि ए एंड बी टेक पार्ट इन हंड्रेड मीटर रेस ए रन एट फाइव किलोमीटर पर आर बढ़िया क्वेश्चन कि भाई ए ने हंड्रेड मीटर कवर अप करा ठीक है कितने में अच्छा पूरा पुर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे करा भी या करा

तो ये बड़ा कैलकुलेशन में 25/18 ही रहा क्योंकि और डेसिमल में तो भी कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जो ए की स्पीड है वो होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम सॉरी ए की स्पीड नहीं ए का जो टाइम है टाइम टेकन बाय वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये 18 ऊपर जाएगा ये 4 सा तो 4 18 तो यानी कि ए को कितना टाइम लगा 100 मीटर कवर करने में 72 टू सेकेंड तो ए को पूरी रेस खत्म करने में बहत्तर सेकेंड लगे क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने बी को स्टार्ट दिया है 8 मीटर का ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 8 मीटर अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो रेस ए को पूरे 100 मीटर दौड़नी थी वो रेस बी को सिर्फ हंड्रेड माइनस यानी कि नाइन्टी मीटर दौड़नी थी

80 सेकंड में उसने 92 मीटर कवर अप करे तो यहां से बेटा मैं स्पीड निकाल लूंगा बी की डिस्टेंस कवर करा उसने 92 और टाइम लिया 80 सेकंड बट ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में और ऑप्शन में आपको दे रखी है किलोमीटर पर आर में. तो कोई दिक्कत नहीं है अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है जी फिफ्टी uh, आ गया ना ये हमारे पास और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना हमारे पास चलो करके देखते हैं थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन टू कैरी 9 तो 18 हो तो 20 तो 207 बाय 5 इन 20 तो 5 4 है तो 20 5 है तो 5 बचा कितना 20 तो 41.4 बाय 10 तो यानी स्पीड ऑफ बी आ रही है 4.14 किलोमीटर पर आर बेटा ये कैलकुलेशन से हमारे पास आ रही अच्छा है अवेलेबल ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ठीक है बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आ फिर बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्वेश्चन ने बोला है कि जो y है वो एक फंक्शन है x का ठीक है जी और जो p है वो इक्वल है dy बाई डी के q जो है वो इक्वल है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के आपसे पूछ लिया गया है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी स्क्वेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो कुछ बच्चे तो ये गलती करते हैं कि जी इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डीएक्सर वाई आएगा तो डी आएगा जब आप d x by को करोगे तब आएगा d x square x by square. जैसे जब डीवाई बाई डी एक्स होता है और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिलता है डी स्क्स स्क् तो ऐसी जब आप डी एक्स बाई डी वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये वाला तो अब डी एक्स बाई डी वाई कितना है जरा इसको देखिए डी वाई बाई डी एक्स है p तो डी एक्स बाई डी वाई कितना आ गया वन बाई पी अब जब वन बाई पी का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन बाई पी स्क्वेयर आएगा है ना बट क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करा है तो जी p का डेरिवेटिव भी आएगा डी पी वाई, वाई। अब मेन बात आती है कि सर ये कहां से ये से लेकर तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं कि कि p p तो वाई है। यहां से पी वाई कैसे तो पे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको आपने क्या करा ध्यान समझिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशियट करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये बनेगा डी पी बाई डी वाई जो हमारे को चाहिए और वो किसके इक्वल आएगा वाई के ठीक है और हमारे को कितना दे रखा है हमारे को कितना दे रखा है अरे नहीं यहाँ पे तो नहीं ये तो सॉरी गड़बड़ हो गया या तो तोड़ लगाना पड़ेगा ना बाई के रिस्पेक्ट में नहीं नहीं इसका ऐसे मत कीजिए आप यहां देखिए ध्यान से एक और ट्रिक सिखाता हूं आपको

dp बाई डी कहां से आएगा अब आप करोगे जो पहले कर रहा था यहां पर कि जो p इक्वल है dy by dx के तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x y करते तो फिर वहां पर क्वेश्चन टू लगाना पड़ जाता वो गड़बड़ जाती तो dp by uh, dx बन जाएगा ये हमारे पास डेरिवेट करते ही अब dy by dx का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो d2y by dx कर आएगा वो वहां बताया हुआ है मैंने और ये आपको दे रखा है कितना q ये आपको कितना दे रखा है q तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास क्यू अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो जी हमारे पास अलग कलर से हाईलाइट करता हूं कि जी जो पूछा हुआ है वो किसके माइनस वन बाय स्क्र इंटू में क्यू बाय पी तो यानी माइनस क्यू बाय पी क्यूब है कोई ऑप्शन हाँ जी माइन तो सी ऑप्शन करेक्ट तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था बेटा इसको ध्यान समझना पहले डी एक्स बाई डी वाई करा

एम हो so तो बराबर होगा इनके नहीं जरूरी नहीं है जैसे एक्स और वाई दो डिसीजन वेरिएबल होते हैं बट कॉन्स्टेंट यानी निक्वालिटी तो ज्यादा भी हो सकती है तो ये yes, लेस नहीं हो सकती कभी सदा ही होंगे ठीक है तो ये नहीं हो सकती तो बट m हमेशा क्या होगा कांस्टेंट हमेशा क्या होंगे ज्यादा होंगे या बराबर भाई नॉन नेगेटिविटी तो आना ही आना है और कम से कम एक कांस्टेंट तो होगा ही होगा ना तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे तो यानी कि हमेशा जातो या तो ज्यादा होंगे या बराबर होंगे करंट व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला xy 4 तो xy 4 है तो सबसे पहले y आ गया 4 x तो dy dx निकाला माइनस फोर बाई एक्स कर आ गया बट आपको पता है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे जब हम लोग पॉइंट पुट कर देंगे तो माइनस 4 बाय फोर यानी माइनस वन आ गया हमारे पास तो देयर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है तो वो आ गया जी प्लस 1, अब इक्वेशन निकाल सकते हैं वाई माइनस स्लोप है वन एक्स माइनस

अब हमारे पास पावर अगर नेगेटिव होती है, तो उसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट कर दिए हमने। जब सब्जेक्टिव करते हैं तब तो हमारे को एक साथ ही इंटीग्रेट करना होता है बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको अलग कर देंगे तो ये तो एक ही पावर वाई ही रहेगा अब इधर देखो बेटा अगर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर देते हैं यहां पर t लेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x dx dt साथ में आ जाएगा तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt तो ये हो गया e की पावर x2 और प्लस c ठीक है क्योंकि वापस क्या आएगा ये e की पावर t ही आएगा और e की पावर t यानी e की पावर x2 तो ऑप्शन b इस करेक्ट सब्जेक्टिव में आपको पूरा अलग से दिखाना होता है बट ऑब्जेक्टिव में तो आप क्विकली सॉल्व करेंगे तो अलग-अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं तो फाइंड द इंटीग्रल ऑफ तो क्वेश्चन है भाई integration find out करना है की की पावर 4 में X की पावर में अंडर रूट ऑफ़ का तो साफ दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे रूट के साथ है तो एक्स की पावर फाइव प्लस नाइन को टी तो डेरिवेटिव आ गया फाइव एक्स फोर डीएक्स इज इक्वल टू डी टी तो ये सारा हट गया डी टी बन गया और ये वन बाय रूट टी वन बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t तो 2√ ठीक है बट प्लस c नहीं लगाया यहां पर जैसे तो ये चालाकी है तो अगर नन है अगर कोई नन ऑप्शन नहीं होता हमारे पास अगर नन ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो हम लोग ये प्लस c में ये वाला मार्क करके आते ठीक थाँ थाँ? है कि भाई हमारे पास प्लस c नहीं है अगर कुछ और नंबर लिखा होता तो भाई यानी कि उसने विदाउट प्लस c पूछा है पर जब भी इंटीग्रल की बात होगी तो, तो बड़ा कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस रहेगी हमेशा

तो इसलिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्मॉल लार्ज में कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आएगी स्मॉल में फ्रैक्शनल में आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं आएगा और एनी वैल्यू एल में तो भाई अंडर उम्मीद थोड़ा combination लगा तो निकाल पाएंगे निकाल तो नहीं सिर्फ small values of N के लिए. बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर ठीक है ऐसा क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में भी करते हैं बट वहां पर बड़े नंबर में क्वेश्चन आते हैं थ्री मार्कर में या फाइव मार्कर में बट यहाँ पर क्विकली करेंगे तो पी रेशियो क्यू है सेवन रेशियो फाइव तो यानी पी की क्वांटिटी कितनी हो गई सेवन एक्स और सेवन एक्स लीटर और क्यू की क्वांटिटी कितनी हो गई फाइव एक्स लीटर क्या नाइन लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस विद क्यू उसको दो पार्ट में समझिए कि जब आपने वेन नाइन लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट तो जब नाइन लीटर मिक्सचर में से निकाल लिया गया है तो जो हमारे पास लेफ्ट होगा p वो कितना होगा अब इसको आप सेवन एक्स माइनस नाइन नहीं करेंगे, 9 7 12 करेंगे क्यों क्योंकि बेटा जितना हिस्सा था p का हिस्सा कितना था सात बटा बारह सेवन रेशियो फाइव है तो मतलब टोटल ट्वेल्व पार्ट है जिसमें से सात पार्ट पी के हैं और फाइव पार्ट क्यू के हैं तो हमारे पास सेवन एक्स माइनस में नाइन इंटू सेवन बाई जो हमारे पास नाइन लीटर हुआ उसका भी तो जितना पी का हिस्सा है उतना ही हटेगा कि मिक्सर में से आपने निकाला है तो मिक्सर में जो पी का हिस्सा था वो सात बटा बारह था तो अगर नौ लीटर उसमें से कम हुआ है तो जो नौ लीटर कम हुआ है उसमें से सात बटा बारह चला गया ठीक है और ऐसे ही हमारे पास क्यू कितना बचेगा वो 5X था -9 पार्ट से बचेगा अब क्या बोला है क्वेश्चन में रिप्लेस कराए उसको फिर क्यू से ठीक है ना आप बोलोगे कि नाइन लीटर ऑफ क्यू इज रिप्लेस्ड तो सिर्फ क्यू वाले बेटा लिक्विड को क्या करा गया है रिप्लेस करा गया है तो यानी कि हमारे पास जो न्यू पी है वो तो यही रहेगा सेवन एक्स माइनस में ये कितना हो जाएगा सेवन नाइन एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स माइनस सिक्सटी थ्री अपॉन में ट्वेल्व लीटर और जो न्यू क्यू होगा हमारे पास फाइव एक्स माइनस फोर्टी फाइव बाई ट्वेल्व प्लस में नाइन क्योंकि Q वाला ऐड हुआ है तो जब Q की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो यानी कि में में गए तीन दस में से चार गए ये आ गया अब जो नई क्वांटिटी आई है उनका जो रेशियो है वो सेवन रेशियो नाइन है तो यानी कि एर एक्स माइनस सिक्सटी थ्री बाई ट्वेल्व अपॉन में क्या आएगा भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन फोर सा थर्टी सिक्स कैरी नाइन एवं थ्री सेवन थ्री ट्वेंटी 27 2 कैरी 9 सिक्स फिफ्टी फोर और 2 56 ठीक है और ये हो जाएगा 420x सौ बीस एक्स प्लस में सात इक्कीस दो कैरी 7 6 42 और 2 44 ठीक है जब इसको रीअरेंज करा हमने ऊपर कर देता मैं इसको तो यह आ जाएगा आरोप में से जीरो गए पांच में से दो गए तीन सात में से चार गए तीन तो तीन सौ छत्तीस एक्स हो गया और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो सात और एक आठ पांच और चार नौ और सॉरी तो छे और चार दस और फिर पांच चार नौ और एक दस तो जी एक आ रहा है एक हजार आठ तो हजार आठ तो अगर लास्ट में, थ्री से करूं। तीन में रहा है ना तीन के नौ एक दस हाँ तो भाई ये हमारे पास एक्स आ रहा है एक्स आ रहा है सीधा थ्री तो हमसे पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी तो लिक्विड पी कितना था हमारे पास सेवन एक्स तो आंसर आ जाएगा सेवन इंटू थ्री यानी कि ट्वेंटी कितनी है ट्वेंटी तो तो कर को पकड़ लीजिए ठीक है तो ऑप्शन बी करेक्ट है ठीक है बेटा करेक्शन कर लेना आंसर ट्वेंटी ऑप्शन में शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो अगर आपको ऑप्शन की वजह से आंसर में दिक्कत आएगी तो बेटा करेक्शन कर लेना एंड विद दिस आज का जो हमारा कॉमर्स का मेगा मॉक टेस्ट टेस्ट है टेस्ट सेवन, है नंबर वो कंप्लीट हो जाता तो आज हमने हमने बेटा में सबसे पहले हम बात करें तो बेटा के क्वेश्चन भी देखे थ्योरिटिकल क्वेश्चन हमने एल डबल डेरिवेटिव को भी रिवाइज करा ठीक है आपका फिर हमारे पास जो ये अपना एलिगेशन एंड मिक्सचर रेसिस एंड गेम्स ठीक है ये सारे टॉपिक्स बेटा आज हमने रिवाइज करे और, और भी बहुत सारे रिवाइज हैं बेटा बस प्रैक्टिस करते रहिए जितनी एमसीक्यू की कर सकते हैं ठीक है थीके? वैसे अभी आपके लिए सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है बट उसमें भी जो एमसीक्यू वो आपके यहाँ तो काम आएंगे ही आएंगे इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला वेलकम बैक टू दिस क्लास मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने एक नई जोश एक नई एक नई उमंग के साथ मैं आप सभी के सामने एक और एमएमटी यानी कि सेवन एमएमटी एम सेवन लेके आया हूं हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो कॉमर्स के हों आर्ट्स के हों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरल टेस्ट का पेपर ठीक है ना अब हम फटाफट 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 काम करना शुरू करेंगे ठीक है चलो फिफ्टी क्वेश्चन है हमारे पास अब देखो क्या दे रखा है इसमें मेघालय क्या दे रखा आपका मेघालय जैसे शिलोंग है शिलोंग की दर के, केरला का क्या है बताओ 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 मेघालय शिलोंग केरला तिरुवनंतपुरम ठीक है आपके कैपिटल्स कैपिटल फटाफट क्या दे रहे हैं फिफ्टी एट फाइव थर्टी थ्री और फिफ्टी सेवन बॉट फिफ्टी एट फाइव थर्टी थ्री फिफ्टी सेवन बॉट जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर कैपिटल के बारे में बात हो रही थी ठीक है फिफ्टी एट फाइव बताओ देखो यहां से 48 48 और 5 दे रखा है राइट 48 और 5 का आपको कंपैरिजन दे रखा है और यहाँ पे दे रहा है तुम्हारे को 30 और 3 का ठीक है तो अगर मैं तुम्हारे सामने कंपैरिजन एक चीज दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या है एप्रोक्सीमेटली कितना है 9 से है ना 5 into 9 plus 3 है ना अगर यहाँ पे देखेंगे तो अ ये जो है 5 ये से आया यहां से आया 5 9 3 3 इंटू नाइन प्लस थ्री यहां से आ जाएगा हाँ ना। बस अब 3 करके, 54, 57 किसका होगा माइनस करेंगे तुम्हारे सामने सिक्स तो सिक्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन अब देखो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन फाइव 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 क्या है बताओ यहाँ पे मैं लिखू या, कर दू मैं ट्वेंटी सेवन है, 27 है, 35 है, है 63, 83, और 107. राइट है बाल को बाल भू बालों को समझ में आ रहा है देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है चार का गैप है इन दोनों के बीच में कितने का गैप है भाई तीन और पांच, आठ का गैप है इन दिनों के बीच में और, और यहाँ पे भी प्लस फोर का गैप है तो हर एक में प्लस फोर प्लस फोर का होगा तो आठ प्लस फोर बारह ठीक है तो पैंतीस प्लस बारह कितना आएगा पैंतीस प्लस बारह सैतालीस फोर्टी सेवन अगर तुम देखोगे तो इन दोनों में कितने गैप आ जाएगा तो यहाँ पे तीन है यहाँ पे कितना तेरह और तीन सोलह ठीक है तो चार चार का क्या पता तो इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन आप लोगों को ये इतनी स्पीड से करना है हर एक क्वेश्चन को ठीक है मैं बार बार कह रहा हूं अगर तुम्हारे को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को लेक्चर वाले सेशन के अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे इसी अप्रोच से आपको करना होता है मॉक्स को ठीक हो गया बालकोम अब देखो क्या कह रहा है किसके अंदर ये एम्बेडेड है किसके अंदर एम्बेडेड है बताओ जल्दी जल्दी बताएंगे बराबर ठीक है किसके अंदर है रोटेशनल इज नॉट ये कौन सी फिगर क्या ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ऐसा बना और उसके साथ का ये नहीं ये देखो ये साइड था ये नहीं बन रहा है तो एक ट्राइंगल ये भी नहीं बन रहा है ढमरू जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है ये देखो एक बन गया ये 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 ऐसा ऐसा सा ऐसा सा, सा हाँ बल क्या बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मतलब एम्बेडेड ये वाली फिगर्स ये चार फिगर्स हैं वो इसके अंदर कौन सी हैं इसके अंदर कौन सी है ठीक हो गया चलो बढ़ते रहेंगे आ, क्या है किस, किन दोनों को आपको इंटरचेंज करना, करना होगा कि जिससे भैया आर एच एस है ठीक है, है ये एल एच एस है तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई इलेवन प्लस और इनटू करो तो प्लस का बाईस टू का माइनस का पच्चीस को एक चीज याद होनी चाहिए okay. तो, तो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेंगे. तो फाइव है ये है. एक क्या वन हैल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स टूर ट्वेल्व सिक्स टूर ट्वेल्व थर्टी टू तो फिफ्टी वन प्लस का था वन थर्टी टू माइनस का ट्वेंटी फाइव अब इन दोनों को ऐड करो पहले टू फिफ्टी वन यहाँ पे करेगा तीन आएगा और यहां पे अठारह वन एट्टी थ्री माइनस का पच्चीस वन एट्टी थ्री माइनस का पच्चीस कर रहा है तो आपका आ रहा है तो ऑप्शन ए इज द राइट राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बढ़ते रहे आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है कि क्या बोला फाइंड द नंबर ऑफ द फेस ऑपोजिट टू सिक्स सिक्स के ऑपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है सिक्स के ऑपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है जल्दी बताएंगे देखो यहाँ पे चार यहाँ पे छह तीनों में है ना चार दो है चार यहाँ पे चार है एक है ना शायद दो है यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास सिक्स तीनों ही है ना अगर मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊंगा तो सिक्स दो तीन आ जाएगा इस तरीके से लेके जाऊंगा तो सिक्स एक चार आ जाएगा तो बस इसके ऑपोजिट क्या है फाइव है।, है ना

जी एम पी यू वी वी जी एम पी ठीक है ना तो अगर मैं देखूंगा तो ये कितना है 19 है ये 20 है ये 1 है ये 20 है ये 9 है ये है और ये कितना है 14 है ठीक हो गया अब यू कितना होता है 21 होता है ये 22 होता है ये 25 होता है ये 22 होता है ये 7 होता है ये होता है 13 होता है और ये होता है तुम्हारे पास सिक्सटीन ठीक है तो अगर तुम देखोगे तो प्लस का टू प्लस का टू माइनस का टू प्लस का टू माइनस का टू माइनस का टू एंड प्लस का टू ठीक हो गया तो इस तरीके से हो रहा है प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू माइनस का टू प्लस का टू माइनस का टू माइनस का टू प्लस का टू ठीक है तो अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो तो ये आपका क्या है वॉवल्स के अंदर वॉवल्स के अंदर माइनस का टू हो रहा है और कॉन्सोनेंट्स के अंदर आपका क्या हो रहा है प्लस का टू हो रहा है देखो ए का माइनस का टू हुआ आई का माइनस का टू हुआ एन का माइनस का टू हुआ तो अब किसका पूछा गया है हॉलिडे uh, टाइम का भी ऐसे ही दिया होगा हम हम लोगों को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना हम मॉक दे रहे हैं अभी ठीक है तो हॉलिडे ठीक है तो यहाँ पे क्या है ये एट है ये कितना सिक्सटीन है ये कितना है ट्वेल्व है ये नाइन है ये फोर होता है ये वन होता है और ये कितना होता है ट्वेंटी इसमें हमारे पास वोवल्स कौन से कौन से? एक ये है, एक ये है, एक ये है इनमें तो थर्टीन, थर्टीन ये आएगा तुम्हारे पास फोर्टीन ये आएगा तुम्हारे पास सेवन और ये आएगा तुम्हारे पास 6, और ये माइनस का टू पच्चीस आएगा यहाँ पे और प्लस का टू देगा तुम्हारे को वन आएगा बोलिए हा है ना बोलिए आया ना यही आ रहा है ना टेन थर्टीन बोलो आया ना क्लियर है बात बताइएगा जल्दी बताओ यही आ रहा है ठीक है ना तो आ, क्या है टेन थर्टीन फोर्टीन सेवन सिक्स ट्वेंटी फाइव मुझे ठीक है तो तुम्हारे पास ये क्या होता है तुम्हारे पास जे होता है ये ये एम होता है ये एन होता है ये जी होता है ये ई होता है ये कितना होता है वाई होता है और ये ए होता है ठीक है जे एम एन जे एम एन जी ई जे एफ सॉरी जे एम एन जे एफ वो फाइव होता है ना जे एम एन जी एफ वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक किसी कोड लैंग्वेज के अंदर टेबल को इस तरीके से लिखा गया लार्क को इस तरीके से लिखा गया और उसको इस तरीके से लिखा गया तो किस तरीके से लिखा जाएगा तुम्हारा बकेट ठीक है ना बकेट को इस तरीके से लिखा गया क्लार्ड सी एल ए आर टी क्या होगा सी एल ए आर टी क्या होगा ठीक तो क्लौ, है तो तुम्हारे तो देखो टेबल को इस तरीके से लिखा गया है तो देखो सी इन्हीं में से किसी में होगा ठीक है यह देखो का, बकेट का सी आ गया एल एल का है एल ए यहाँ पे है ठीक है आर यहाँ पे तो देखो तुम्हारे पास कैसे बोला मैंने ए यहाँ पे भी है एट द रेट ठीक है लार्क का ए यहाँ पे भी है एट द रेट ही है मतलब कि कुछ वर्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया है कुछ वर्ड्स को सिग्नल आपका सिंबल से स्पेसिफाई कर दिया है टी ए बी एल ई है ना तो देखो ये आपका इससे स्पेसिफाई कर दिया है टी को ए को कर दिया है एट द रेट से बी को कर दिया है तुम्हारे पास सिक्स से ठीक है बी को कर दिया है तुम्हारे को सिक्स से और टी ए बी एल ई ना टी ए बी एल ई को कर रहा कर ई e को हमने किया है एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छह ठीक है बी की वैल्यू मिसिंग है हमारे पास, एल की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू मिसिंग है हमारे पास है ना एल की वैल्यू मिसिंग है तो एल हम उठाएंगे कहां से हैश से हाँ देखो यहाँ पे ना ये पूरा पूरा इस तरह का होगा ये हल्का सा मिसप्रिंट है भाई है ना ये हल्का सा स्पलेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन में शायद ये सही होगा ठीक है ये ऐसे होगा और फिर यह होगा ठीक है तो b की वैल्यू है 6, l की वैल्यू क्या है है हैश और e की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास परसेंटेज है हर एक में दे रहा भाई है ठीक है तो बस क्लार्क से देखना है सी एल ए आर इी है ना तो c देखते हैं <coughs> c किस में बकेट में है ना बकेट का तीसरा नंबर c है बकेट का तीसरा नंबर तो तीसरा कौन सा है इसका है प्लस एल क्या है भाई एल है तुम्हारा हैश तो यहाँ पे आएगा हैश तो प्लस और हैश कौन से में है ये दोनों नहीं हो सकते है ना प्लस और हैश हम फटाफट निकालना हमारे हम पूरा के पूरा सजा सजा के नहीं लिखना होता ए किससे है रेट से है तो यहाँ पे एट द रेट कौन से में है से ए में है तो ऑप्शन ए करके आगे बढ़ेंगे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है हमारे को ठीक है अब क्या है इस तरीके से दिया हुआ है इसकी वैल्यू देनी है तुम्हारे को इसकी वैल्यू देनी है तुम्हारे को तो ये है तुम्हारे पास ये यू है ये और जे है तुम्हारे पास कितना टेन ठीक है ई होता है फाइव ये यू ट्वेंटी टू ये ट्वेंटी थ्री ये होता है 40 है ना सॉरी ट्वेल्व ये होता है, है, है तुम्हारे पास ट्वेल्व ठीक है आई होता है नाइन ये ट्वेंटी सिक्स ये वन और ये सिक्सटीन ठीक है के होता है तुम्हारे पास इलेवन ये टू होता है ये तीन होता है ये एटीन होता है ठीक है तो फटाफट करते हैं तीन बीस तीन बीस इक्कीस दस तीन बीस इक्कीस दस ठीक है तो पांच तो पांच है पांच है बाईस है तेईस है बारह है एक मिसिंग है यहां पे है नौ छब्बीस एक सोलह और ग्यारह है इक्कीस है तीन है 18 है तो तुम लोग देख रहे होंगे प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू तीन प्लस दो यहाँ पे आएगा सेवन ये प्लस टू आएगा ट्वेंटी फोर आएगा यहाँ पे प्लस टू आ रहा है यहाँ आएगा ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे देखो प्लस टू प्लस टू फोर्टी ठीक है तो सेवन होता है तुम्हारे पास जी ट्वेंटी फोर होता है तुम्हारे पास ई डब्लू एक्स ठीक है और ये होता है तुम्हारे पास वाई और ये होता है तुम्हारे पास एल सॉरी एन ठीक है

फिर क्या आ रहा है माइनस का छह और सात माइनस का थर्टीन है फिर प्लस का पांच है तो बस अब इसका माइनस का थर्टीन कर दो तो तीन गया था 87 और है ना माइनस ये अब बैट्समैन स्कोर नाइनटी सेवन रन फिफ्टीन इन इनिंग इन पंद्रहवीं इनिंग में अभी शायद मैंने परसों तरसों ही ये वाला क्वेश्चन प्रवेश में कराया एंड दस इंक्रीजे एवरेज बाय इतना ठीक है तक, तक तो मतलब मैंने कह दिया कि 14 तक ना करने के बाद मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा वो, वो क्योंकि वो बिल्कुल बेकार था, ये method सही है? ये मतलब कि जब एक इनिंग की इंक्रीज हुई तो पूरी की पूरी उसने एवरेज बढ़ा दी कितने से फाइव से बढ़ाई कितनों की बढ़ाई पांच चौदह लोगों की चौदह इनिंग्स की बढ़ाई और चौदह पंजो

पच्चीस होनी चाहिए इसकी एवरेज ठीक है पच्चीस नहीं हल्का सा कुछ गलती होगी रियली सॉरी यार ये नाइनटी सेवन हाँ तो कोई नहीं ना मेथड तो सेम ही है भाई मेथड तो सेम ही है ये नाइन्टी सेवन यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू बाईस एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाईस तो ये फोर्टीन थी बाईस तो बाईस प्लस पांच बाईस प्लस पांच इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ठीक है

100 कर देंगे जीरो जीरो से कटेगा कटेगा ये इससे जीरोड ट्वेंटी ना तो uh, बताइएगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट की ग्रोथ आ रही है अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट की ग्रोथ आ रही है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी आ रही है कितने परसेंट की ग्रोथ तो अगर मैंने भी ले लिया होता तो ग्यारह सो ग्यारह सो अपॉन तीस है तो तीन थ्री थ्री है ना थ्री थ्री ठीक तो है ही कर रहे हम लोग तो थ्री थ्री नाइन टू जीरो थ्री सिक्स और टू जीरो सिक्स थ्री पॉइंट थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स परसेंट होती है तो थर्टी सिक्स का भी और दस परसेंट कम तो थर्टी 3.7 3.73 3. 10 साल का निकाल लिया मैंने एप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 साल का निकाला तो एक तिहाई मतलब 10% तो निकाल लिया तो 10 का 1 निकालना होता है तो 10 को 1 कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 10 से भाग देते हैं तो इसलिए 37 था तो अराउंड हमने 3.7 कर दिया ए कैन पेंट 7 चेयर्स इन एन आवर बी कैन पेंट 4 चेयर्स इन इन एन आवर ए कैन पेंट 7 चेयर्स 7 चेयर्स एक आर के अंदर ठीक है तो आपके पास एक चेयर कितने घंटे में करेंगे बताओ एक चेयर करेंगे वन में, है ना ए कर देगा वन चेयर करेगा कितना वन बाय सेवन आवर्स में बोलो ना? और बी करेगा एक चेयर बी करेगा एक चेयर कितने देर में इतना फिफ्टी फाइव चेयर करनी है को। एक अगर ये रहा ना

ए और बी जब एक साथ काम करने लगे तो ए तो अपनी अकॉर्डिंगली स्पीड से करता रहेगा काम सात चेयर का और बी अपने अकॉर्डिंग स्पीड से करेगा तो जब वो एक साथ काम करने लगे तो सेवन चेयर इन एन आर होने लगी बोलो हाँ है ना सेवन चेयर इन एन आर होने लगी है ना ए सात करता है घंटे में बी चार करता है तो जब दोनों ने साथ काम करना शुरू करा तो ग्यारह चेयर एक घंटे के अंदर होने लगी

कि तुम्हारे पास 1875 ₹ था है ना 1875 ₹ थे और 20828 ₹ हो गए हैं है ना 1875 ₹ 2028 ₹ हो गए हैं तो कितना ग्रो हुआ है 2028 माइनस का 18 75 है ना माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इसको मैंने कैरी क्यों कर लिया कभी-कभी तो दिमाग ऐसा हो जाता है ना ये 3 आएगा यहां पे 5 आएगा 19, 1. 153 रुपीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज इंक्रीज हो हो रहे हैं। बोलो हाँ। 153 रुपीज हो रहे हैं हैं बोलो हाँ ना ठीक है ना तो कितना परसेंट ग्रोथ है रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है कितने में मिल रहा है 1875 पिछहत्तर रुपए पे 1875 पिछहत्तर रुपए में मिल रहा है तो हम काटेंगे इसे कितने से फाइव से काटेंगे 5, 2, 0, 5, 3, 2, 15. बोलो हाँ फाइव थ्री से फिफ्टीन और थ्री सेवन है ना फाइव सेवन से थर्टी फाइव और फाइव थ्री से फिफ्टी ठीक है ना तो सेवन थ्री अगर तुम ये देखोगे तेरह है ना तो अगर तुम अब और काटने लगोगे इसे तो कितने से कटेगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली से करना शुरू कर दें साढ़े सात सौ तीन सौ पिछहतर अगर मैं ले लूंगा और इसे डेढ़ सौ ले लूंगा मैं ठीक है है ना तो इसको अप्रोक्सीमेटली काट लो इसे तीन सौ पिछहत्तर ले लो और इसे डेढ़ सौ ले लो तो कितना आएगा बताओ जल्दी ठीक है तो ये approximately के आ रहा देखो कैसे कर दिया से ले, लिया, मैंने 375 से ले लिया और थ्री तो है है ना? 73. तो देखो अगर इसे के से और ना सेवेंटी थ्री को अगर तुम आठ से मल्टीप्लाई करते हो है ना तो छप्पन कुछ आता वैल्यू आएगी एट पॉइंट आएगी तो 8.16 के इंक्रीज हो रहा है अब जिसने मेरे साथ आई थिंक मैंने प्रवेश में एक हफ्ते पहले कराया है तुम्हारे को सीआई तो क्या कराया हुआ था मैंने कि ए प्लस बी प्लस ए बी का फॉर्मूला लिखाया था बोलो हाँ है ना तो बताओ चार परसेंट से ग्रोथ हो रही है तो चार को दो साल से अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी चार चार आठ पॉइंट सिक्स तो एटीन पॉइंट सिक्स और वही आ रहा है वही आ रहा है तो दो साल दैट्स ऑल यू हैव टू डू कोई भी है सिर्फ और सिर्फ तर्क लगाने हैं जो चीजें आप सभी को क्लास के अंदर समझाई हुई हैं। ठीक है नाल को प्यारे बच्चों इज वन परसेंट ऑफ थर्टी थ्री ठीक है ये देखो थर्टी सेवन परसेंट थर्टी सेवन पचपन गुना ठीक है थर्टी सेवन अपन पचपन गुना सो. तो अगर मैं इसे मान लू तो कितनी वैल्यू आएगी तीन बार पास साठ तीन बटा पांच साठ है, देखो, देखो, तो है, है ना और इसे और थर्टी थ्री है और फिर कितना जाएगा तुम्हारे पास फोर जीरो तो यहां पे थ्री आएगा सेवन सेवन जीरो है ना? यहां पे सिक्स तो सिक्स थ्री जो सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स टू जो ट्वेल्व थ्री टू जो सिक्स

भैया है होता है ना होता आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई कितना दिया हुआ है तुम्हारे ट्वेंटी देना है कि नहीं देना देना ही है ठीक है तो इसमें कितना दे रखा है आर तुम्हारे को दे रखा है फोर्टीन सेंटीमीटर का एच दे रखा है तुम्हारे को ट्वेंटी सेंटीमीटर तो वॉल्यूम है ट्वेंटी टू बाय सेवन पाई आर स्क्वायर फोर्टीन इंटू फोर्टीन इंटू का ट्वेंटी का क्या है

ये क्या कर दिया कुछ गलत आ रहा है क्या गलत क्यों दे, दे रहा है येगा ये आएगा तुम्हारे तो पास अट्ठाइस है ना चौदह इंटू टू अट्ठाइस और अट्ठाइस इंटू टू अट्ठाइस इंटू टू देता है छप्पन ये पांच सौ बीस हो गया और इंटू बाईस कर रहे हैं हम लोग तो अगर इसे देखेंगे तो ये इसका जीरो मैंने एज ए टी सी रहने दिया इसका जीरो मैंने एस ए टी सी रहने दिया तो छप्पन को पहले मैंने दो से मल्टीप्लाई करा है ना अट्ठाईस छप्पन हाँ ठीक है तो यहाँ पे कर रहा है टेन, इलेवन, ना फाइव टू जो थ्री ठीक है ये जीरो आया है ना और ये वन वन टू जीरो कर दिया तो जीरो है वे यार क्या कर रहा ये टू है ये थ्री है, टू है वन है बारह हजार ये आएगी वैल्यू हाँ बारह हजार सही कर रहे थे हम लोग ठीक है कुछ बाई चांस होगी होगी टू परसेंट से हो रही है ना ग्रोथ तो टू परसेंट का फ्रैक्शन होता है तुम्हारे पास एक बटा पचास ठीक है टू परसेंट से ग्रोथ हो रही है करंट पॉपुलेशन है तुम्हारे पास कितनी है बारह एक लाख पच्चीस हजार एक लाख पच्चीस हजार है तो इक्यावन बटा पचास इक्यावन बटा पचास इक्यावन बटा पचास ये करना था तुम्हें एक दो तीन 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 कट गया ठीक है फाइव 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 तो ये आ गया खत्म तो बस फिफ्टी वन का क्यूब फिफ्टी वन का क्यूब करना तुम्हें ठीक है जी तो फिफ्टी वन का स्क्वायर कितना होता है बताओ फिफ्टी वन का स्क्वायर होता है तुम्हारे पास पचास का स्क्वायर होता है तुम्हारे पास पच्चीस हजार पच्चीस सौ बोलो ट्वेंटी फाइव का और पच्चीस सौ वैल्यू ठीक है ना

इतने पिचासी और दिए ना तो टू फाइव एट फाइव टू फाइव एट फाइव एक्स्ट्रा बेच रहा हूं टू फाइव एट फाइव है ही आएगा बताओ ठीक है ना तेईस हजार वो है ये आएगा डिफरेंस और तेईस हजार पांच सौ में से करना है आपको इन का हंड्रेड कर दिया आपने ये काटा ये काटा ये काटा ये काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास हम्म hmm. ये देखो ये इसका इलेवन टाइम्स आ रहा है ना ढाई हजार हाँ ठीक है तो टू थर्टी फाइव को अगर तुम ग्यारह से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो यही बन रहा है तो ये आठ है ये पांच है दो है हाँ पच्चीस हो जाए ना तो ग्यारह ये ग्यारह टाइम्स तो ग्यारह आ गया ग्यारह परसेंट इज द राइट आंसर तुम्हार को बिल्कुल हवा में कर रहे हैं ऑप्शन के थ्रू मैंने आंसर देख लिया कि कौन सा होने वाला है टेन टाइम्स कितना होगा तेईस हजार जीरो ज्यादा है तो देखा मैंने ग्यारह परसेंट नाइन परसेंट तो नहीं इतना परसेंट बट वेस इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ अ के जी फाइंड ठीक है समझो इस चीज को कि किस तरीके से अ डीलर ने एक डीलर सो बोल रहा है कि मैं सोलह परसेंट डिस्काउंट भी बेच रहा हूं तुम्हारे को एक डीलर क्या कह रहा है तुम्हारे को कि मैं सोलह परसेंट के डिस्काउंट भी बेच रहा हूं लेकिन वो झूठ बोल रहा है तुम्हें झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो इतना झूठ बोलो कि बोलते ही रहो है ना सोलह परसेंट का डिस्काउंट में बेच रहा है ठीक है तो देखो मैंने कह दिया भैया कि एक हजार ग्राम की कीमत है रुपए रुपए है ना एक हजार की एक हजार रुपए तो वो कह रहा है कि भैया मैंने ना तुम्हारे को ना सोलह परसेंट की, की नुकसान में बेच रहा हूं मैं तो सोलह परसेंट इसका कितना होगा सोलह परसेंट इसका कितना होगा एक सौ साठ रुपए माइनस एक सौ साठ में बेच रहा हूं तुम्हें एक सौ साठ में कितने में बेच रहा है माइनस एक सौ साठ में ना तो सौ कम करोगे तो नौ सौ और आठ सौ चालीस पर मतलब कि तुम्हारे को यह बेवकूफ़ बना रहा है कि भैया मैंने खरीद के तो लाया था मैं सौ, हजार हजार ग्राम हजार रुपए में लेकिन मैं तुम्हारे को हजार ग्राम दे रहा हूं आठ सौ चालीस रुपए में लेकिन उसने होशियारी क्या दिखा दी तुम्हारे को वो असल में तुम्हारे को दे रहा है कितना सिर्फ और सिर्फ पांच सो सौ ग्राम ठीक है सात ग्राम और ये सात ग्राम की उसकी जेब से कितना पैसा गया था बाल को उसकी जेब से कितना पैसा गया था सात ग्राम के लिए साढ़े सात सौ रुपए तो ये सात सौ पचास ग्राम के लिए कितना रुपए गया होगा साढ़े सात सौ रुपए बोलो हां समझ में आ गई बात कहना ये चाह रहा है कि हजार ग्राम लेके आया था हजार रुपए का ये सत्य है ये झूठ नहीं है लेकिन उसने क्या कर दिया कि तुम्हारे को सोलह रुपए के नुकसान में कहने की बात वो होशियारी दिखा रहा है कि मैं सोलह मैं हजार रुपए का लेके आया था लेकिन मैं तुम्हारे को आठ सौ चालीस रुपए का दे रहा हूं कितना हजार ग्राम लेकिन असल में वो दे कितना रहा है सिर्फ और सिर्फ साढ़े सात सौ ग्राम और साढ़े सात सौ ग्राम के लिए उसने चुकाए कितने दे सात सौ पचास रुपए तो बस सात सौ पचास रुपए की चीज आठ सौ चालीस रुपए सिर्फ और सिर्फ बोलने का तरीका है है ये ये सिर्फ सिर्फ और बोलने का तरीका रुपए का फायदा ले रहा है साढ़े सात सौ इन इंटू हंड्रेड तो एक जीरो से जीरो कटेगा ये जाएगा तुम्हारे पास तीन से ये चार से जाएगा ये जाएगा तुम्हारे पास यह बारह परसेंट का प्रॉफिट बारह परसेंट का प्रॉफिट खत्म टाटा बाय बाय समझ में आ गई बात बहुत ही शानदार तरीका मैंने बता दिया है तुम लोगों को भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर तुम्हारे को बिल्कुल ही टीपू सुल्तान की तरह सॉल्व करने क्वेश्चन तो ठीक है ना एक सेकंड गला गिरा कर लो मैं अपना द एलसीएम ऑफ इतना इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एलसीएम कितना है इसका ये कितना होता है टू की पावर फाइव होता है और ये होगा टू टू द फोर ठीक है इनटू फोर इंटू फाइव टू की पावर थ्री इंटू फाइव है ना तो इन दोनों का एलसीएम होंगे कितने बाल को टू की पावर फाइव इंटू का पांच तो बत्तीस इंटू पांच करोगे तो बत्तीस इंटू पांच करोगे तो तीन सौ ढाई सौ बत्तीस इंटू पांच करते हैं तो कितना बनता फाइव टू जो टेन थ्री टू जो सिक्स भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये फाइव थ्री थर्टी फिफ्टीन बत्तीस इंटू देख रहे हो क्या कर रहा था मैं फाइव टू जो टेन फाइव थ्री फिफ्टीन सिक्सटीन है ना ये आया एल्सियम तुम्हारा आया 160 बोलो 160 आया कि नहीं आया बोलो 160 आया कि नहीं आया ये एल्सियम आ गया तुम्हारा अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है ये क्या है नाइन लेस देन है ये लेस देन है तो ये है तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू जो है ना x से नाइन लेस है तो x माइनस नाइन इक्वल टू एल्सियम दिया था क्वेश्चन के अंदर ठीक है x माइनस नाइन इक्वल टू एल्सियम दिया हुआ था तो x माइनस नाइन और एल्सियम की वैल्यू है एक सौ साठ

कौन सा इंस्टीट्यूशन आयरिश आयरिश इंस्टीट्यूशन ठीक है मोहिनी अट्टम इज द सोलो क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम इज द सोलो क्लासिकल डांस ठीक है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केरला बच्चे ठीक है विच ऑफ द इंडियन ओरिजिन हैज बीन गिवन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी अफेक्टेड बाय फ्लड्स बुश फायर ड्रॉट एंड कोविड नाइनटीन बताइए कौन से हैं अमर सिंह जी अमर सिंह जी आपने इनकी फोटो भी देखी होगी यूट्यूब uh, के ऊपर इन इंडिया इन विच द नेशनल फ्लड ऑफ द वर्क प्रोग्राम स्कीम लॉन्च बताइए कौन से साल में हुई थी 2004 के अंदर हुई थी पिक द ऑड वन आउट तो है हिंट रबर फाइबर क्रॉप है बताइए बताओ क्या है ऑड वन आउट ठीक है आपका कौन सा है फाइबर क्रॉप फाइबर क्रॉप देखने तुम्हारे को सारे के सारे तो कौन सा तो है rubber is not a crop. ना रबर इज नॉट अ फाइबर क्रॉप ठीक है ना को ये फाइबर क्रॉप नहीं है ठीक है चलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑफ टेक इन न्यूट्री फ्रॉम द डेथ एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड कौन सा वो होता है सेप्टोट्रॉफिक

टूवर्ड द साउथ द डैश ओवर द नॉर्द प्लेन बिकम्स वीकर अपर लेवल अपर लेवल ट्रॉफ बताओ क्या ट्रॉफ है ना मॉन्चुल ट्रॉफ इज द राइट आंसर अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग्लेयर वॉज दाइएस्ट स्कोर इन द फाइनल मैच ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप नाइनटीन एटी थ्री अच्छा क्वेश्चन है ये तो आप सभी के जहन में होना चाहिए बताओ श्रीकांत जी ने सुनील गावस्कर बहुत सारे बच्चे ने ये देखो यहाँ गलती कर देंगे ये माइनस फाइव माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर जाएंगे जबकि श्रीकांत ठीक है विच कंट्री होस्टेड एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन टू थाउजेंड नाइनटीन बताइएगा कौन सी कंट्री ने किया था बताओ साउथ कोरिया जॉर्डन फिलीपींस से कतर कतर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन आपने एक मूवी देखी होगी कुमार की है ना लाइमस्टोन इज द द रॉ मटेरियल ऑफ डैश अमंग फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री सीमेंट है ना लाइम स्टोन चूरक बोलते हैं ठीक है थीके? प्लास्टिक फर्नीचर सीमेंट या फिर एग्रीकल्चर कौन जिस समय पे हमारे इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त उन्नीस है सत्तावन में पड़ी था ठीक है तो तब कितना पिछहत्तर परसेंट हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी H2SO4 इज केमिकल फार्मूला ऑफ H2SO4 किस चीज का केमिकल फार्मूला है बालकों तो ऑयल ऑफ ऑयल ऑफ वेजिटॉयल ठीक है अब देखो पेनल्टी को इस तरीके से लिखा गया है ऑफेंस को इस तरीके से लिखा गया है तो बताएंगे क्या होगा पीओपी है ना ओपी 16 है ये 5 है ये फोर्टीन है ये वन है ये ये कितना है? है, है है ये 20 है और ये ये और होता है तुम्हारे पास सिक्स ये, ये होता है तुम्हारे पास ये टू होता है ये थर्टीन होता है ये यू होता है और तुम्हारे पास ट्वेंटी सिक्स तो तुम अगर देखेंगे तो सिक्सटीन सेवनटीन फाइव सिक्स फोर्टीन फिफ्टीन वन टू 12 13 20 21 25 26 तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है तो बस नर्वस ये देखो ये भी अगर आप चेक करोगे तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ही हो रहा है तो n एलिमेंट ठीक है ये है ये 5 है ये r है 18 ये v है 22 ये o है ये u है ये s ठीक है ठीक है ठीक है ना तो ये हो गया तो हमारे को क्या करना है 15 ठीक है E होता है या फिर इसको ना डायरेक्टली पढ़ लो ना एल एम एन ओ एफ ठीक है आर एस यू डब्ल्यू ओ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एल एम एन ओ पी है ना ठीक है है ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है सेवन पीपल सेटिंग इन अ सर्कुलर फेस किस तरीके से हो रहा है जी एक है सर्कुलर टेबल टिक्केट से निकलो थोड़ा सा काम कर लो ठीके। ठीके। चलो सात लोग हैं तुम्हारे पास है ना फोर फाइव सिक्स सेवन बी सी डी है इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी ठीक है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी ठीक है तो यहाँ पे ए होगा यहां पे ए यहां पे डी है ना सबके सब अंदर देख रहे हैं ठीक है तो देखो लाइन पढ़ो इसकी ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी सी के राइट right में ए है और डी के इमीडिएट लेफ्ट में है डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है ठीक है जी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी तो सी के लेफ्ट में कौन है जी है ठीक है एंड इमीडिएट राइट ऑफ एफ और इमीडिएट राइट ऑफ एफ ठीक है तो ये आपका एफ आ गया राइट right तो अब क्या कह रहा है इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ ई जो है वो एफ के लेफ्ट में है एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी ठीक है ना right बीज सेटिंग सही है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी ए और बी का इमीडिएट नेबर कौन है डी तो ठीक है डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच इज कम नेक्स्ट अब बताओ कौन सी नेक्स्ट आएगी इसके तो ये ऐसे ऐसे जा रही है है ना देखो तो ये ये वाला पार्ट ऐसे मुड़ गया मतलब कि आ, क्या बोले 90 डिग्री चला, चला गया फिर 90 डिग्री चला गया फिर 90 डिग्री चला गया तो ये वाला पार्ट कैसे होगा ऊपर होगा है ना ये वाला पार्ट टीके ऊपर होगा ठीक है ना ये वाला पार्ट ऊपर होगा तो कौन सा ये वाला नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ठीक है तो ए और बी में देखना है अब देखो ये है ना जो डबल और सिंगल वाला है ना डबल और सिंगल देखो ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है अब ये ऐसे चलेगा ठीक है डबल सिंगल वाला ऐसे चलेगा ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना था ठीक है ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन अब देखो क्या है इसकी क्या निकालनी है तुम्हारे को मिरर इमेज निकालनी है ठीक है तो थर्टी एट का देखेंगे क्या है ठीक है तो ये इसके इधर देखना है तो इधर देखो सबसे पहले कैसा आएगा ये ऐसे में पलट जाएगा ना तो पी सबसे पहले तो इधर की तरफ देख रहा है पी सब में इधर देख रहा है ये नहीं हो सकता है ना ये नहीं हो सकता ठीक है और बाय सही देख रहा है जी ऑब्जर्व करना है जी ऑब्जर्व करना है बस है ना तो ये देखो इसमें कैपिटल बाय हो गया ये नहीं हो सकता ठीक है ना हम्म इसमें कैपिटल एस हो गया ये नहीं हो सकता तो ऑप्शन है ठीक हो गया समझ में आ गई बात सेवन पीपल सेटिंग नॉर्थ सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं ठीक है? तो आपके पास क्या होगा बताओ ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं एक एक लाइन पढ़ेंगे एन सेटिंग ए सेंटर है ना सेवन लोग हैं तो सेंटर में है ए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो सेंटर तो में ए है तो ये ए होगा है ना? है ना सेंटर में ए जी एंड ई आर सेटिंग एट द एंड ऑफ द रो जी एंड ई आर सेटिंग एट द एंड ऑफ द रो तो जी मैंने यहां मान लिया ई e मैंने यहां मान लिया कोई भी आप इधर भी मान सकते हो दोनों तो भी बना सकते हो आप बी इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए

फिर आएगा तुम्हारे पास ई आता है ना तो तुम्हारे पास टू आएगा अब देखो एस एस की रेस है आई पहले आता है कि टी पहले आता है आई होता है तुम्हारे पास नाइन ठीक है नाइन होता है और डी आएगा तो वन फोर थ्री फाइव टू वन फोर थ्री फाइव टू वन फोर थ्री ऑप्शन तो बी इज द राइट आंसर ठीक है इतनी ही फुर्ती से कर रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को ठीक को, है तो देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इतना अब ये देखो तुम्हारे को वो दे रखी है पूरा का पूरा आपके पास क्या बोलते हैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो अब तुम्हारे को इसको फॉलो करना है ठीक है तो x प्लस टी का मतलब क्या है x प्लस टी मतलब x इज द फादर ऑफ x इज द फादर ऑफ t ठीक हो गया सर t इज द मदर ऑफ m t इज द मदर ऑफ m t जो है माँ है किसकी m की m इज द वाइफ ऑफ g m इज द वाइफ ऑफ g m जो है वाइफ ऑफ g है g एंड g एंड क्या है g इज द ब्रदर ऑफ c g जो है ब्रदर ऑफ किसका है c का है ठीक है जी ठीक है सी इज द मदर ऑफ के सी इज द मदर ऑफ के सी इज द मदर ऑफ के एट द रेट के इज द सिस्टर ऑफ एच के इज द सिस्टर ऑफ एच ठीक हो गया के इज द सिस्टर ऑफ एच और फिर क्या है के इज द मदर ऑफ एच इज द मदर ऑफ क्यू एच इज द मदर ऑफ क्यू बहुत सारी जनरेशन बता दी भाई तो अब कौन सी वैल्यू कौन सी चीज गलत है है ना कौन सी चीज गलत है उसको फॉलो करना है जी इज द सिस्टर ऑन लॉ ऑफ टी सिस्टर इन लॉ सन इन लॉ ऑफ टी ठीक है टी का टी की लड़की ये है जी बिल्कुल सही है ये सही है सन इन लॉ है उसका दामाद है टी की लड़की एम है और एम का पति जी है टी की लड़की एम है और एम का पति जी है तो ऑब्वियसली उसका दामाद हुआ जी इज द फादर ऑफ के जी का इज द फादर ऑफ के इज नॉट करेक्ट नहीं जी की बहन है सी और सी टी माँ है तो ये इसके क्या हुए मामा जी हुए जी इज द मामा जी ऑफ के जी इज द अंकल ऑफ के सी इज द मदर ऑफ एच सी इज द मदर ऑफ एच बिल्कुल सही है सी के की माँ है के इसकी बहन है ठीक है एक्स मतलब इज द ऑफ मतलब कि नाना जी है के के नाना जी बिल्कुल सही है ऑप्शन है? है. बी तो, ये K, उसके मामा जी है, है ना सॉरी uh, जी इसके क्या है मामा जी ये उसके क्या है मामा जी आई होप समझ में आगे होंगे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे जल्दी जल्दी रीड द थ्री स्टेटमेंट आर गिवेन

वैसे जो मुझसे पढ़ता है ना बच्चा ये इस तरीके से करता ही नहीं है ठीक है ये इस तरीके से करता ही नहीं है ठीक है <coughs> बताओ क्या कह रहा है ऑल क्या कह रहा है सम आईपैड्स आर कंप्यूटर्स सम आईपैड्स आर कंप्यूटर्स हाँ जी बिल्कुल सब ये कंप्यूटर वाला पार्ट है ना तो हां सही है ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन्स नहीं सम कैलकुलेटर्स आर फोन्स सम आईपैड्स आर फोन सम आईपैड्स आर फोन बिल्कुल सही है तो वन एंड थ्री फॉलो ओनली वन एंड थ्री फॉलोस ठीक है बढ़े आगे अब क्या कह रहा है कौन से साइन को इंटरचेंज किया जाए कि आंसर सही आ जाए बताओ इंटरचेंज किया जाए कि वो करेक्ट करेक्ट आंसर आ जाए बताओ करेक्ट आंसर बताओ करेक्ट आंसर आ जाए तो अब हम क्या करेंगे इसे पहला करके देखते हैं 48 प्लस की जगह क्या करना है माइनस करना है 48 प्लस का 96 ठीक है और माइनस इनटू का 4 है डिवाइड है तीन से और माइनस का 58 है देखो हमारे पे देखे जाए तो ये तीन और दो हाँ ठीक है है ना ठीक है तो 48 है यहाँ डिवाइड से तो नहीं कटेगा तो 96 इनटू का 4 डिवाइड बाय ये आएगा तो 3 2 50 कितना आ रहा है ये आ रहा है तो 32 इनटू 4 करोगे तो 120 और दो एक सौ अट्ठाइस है ना थर्टी टू इंटू फोर करोगे तो थर्टी इंटू फोर हाँ अड़तालीस माइनस का फिफ्टी थ्री करना है तो ये देखो अगर हम देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली पचास एड हो रहा है 157 के 158 के 158 आ रही वैल्यू और 53 माइनस कर रहे हैं तो ये चौंतीस तो नहीं हो सकती है तो ये तो नहीं हो रहा हमारा लास्ट से देखते हैं हम लास्ट का देखेंगे डिवाइड और इनटू तो फोर्टी एट है डिवाइड और इनटू करना है तो नाइन नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर इनटू का थ्री प्लस का फिफ्टी एट राइट तो करेंगे इसे तो अब डिवाइड करेंगे इसे अगर मैं डिवाइड करेंगे अगर मैं इसे तो ये जाएगा टू से है ना और ये फोर से है ना तो ट्वेंटी फोर इंटू थ्री तो कितना आएगा साठ और बारह बहत्तर सेवनटी टू ठीक है तो फोर्टी एट माइनस का सेवनटी टू प्लस का फिफ्टी एट है ना तो प्लस का फिफ्टी एट तो आठ आठ सोलह तुम्हारे पास आठ आठ सोलह और ना, 98 और, 90, एक सो और ये हाँ एक सौ छह में से बहत्तर गए ये आ गए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चौथिस थर्टी फोर तो मतलब आपको ना बिल्कुल ना चेक कर रहे हैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को ठीक है ना टाइम नहीं लगा सवालों में मैन बाइज अ टॉय कार फॉर इतना डेढ़ सौ पंद्रह का फायदा हो रहा है तो सौ बाई हंड्रेड की वैल्यू मैंने अपनी परसेंटेज क्लास में करा रखी है इलेवन ये या फिर इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट ठीक है तो ये आंसर आएगा सर्फेस एरिया ऑफ द कोन इजना व स्लानाइट कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ द तो हाइट पूछ रहा है ठीक है तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया तो कौन क्या होता है क्या होता है पाई आर एल है ना पाई आर एल तो क्या दे रखा है कौन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना डायमीटर इतना दे रखा है व्हाट इज द स्लान हाइट ओके डायमीटर दे रखा है ना तुम्हारे को तो डायमीटर इसका रेडियस होगा एक बटा दो ठीक है तो बस इसकी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी थी ठीक है फोर फोर फाइव फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी टू की वैल्यू हाँ लिखनी है मैं तो ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू है एक सौ पांच बटा दो एन का एल है ना इन का एल निकालना ठीक है तो ये जाएगा तुम्हारे पास ये जाएगा तुम्हारे पास ये जाएगा ग्यारह से ये जा रहा है तुम्हारे पास पंद्रह से है ना ये जा रहा है पंद्रह से इसे काटेंगे तो ये फोर जीरो फाइव से जा रहा है है ना और पंद्रह से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये टू से जा रहा है है ना और टेन ये सेवन है ना तो एल की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है इन लीनियर रेस इतना 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 सोनाली बीट्स श्वेता बाय हंड्रेड मीटर्स बाय श्वेता बीट्स सोनम बाय वन फिफ्टी बाय हाउ मच ठीक है समझो क्या हुआ है कि ये कोई रेस है तुम्हें नहीं पता सौ हजार सेंटीमीटर की है हजार मीटर की सॉरी हजार मीटर की रेस है जब सोनाली बीट श्वेता है ना तो सोनाली जब यहां पे सुनो जब सोनाली जब हजार मीटर पूरा कवर कर रही है ना है ना जब हजार मीटर पूरा कवर कर रही है सोनाली तो श्वेता कहा बीच श्वेता बाय हंड्रेड तो श्वेता ने कवर किया होगा बालक कितना बताओ बालक नाइन हंड्रेड मीटर सौ मीटर तभी तो सौ मीटर तो उसने अब मुझे एक चीज बताओ ठीक है मुझे एक चीज बताओ अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि सौ हजार ही मीटर की रेस है ये हजार ही मीटर की रेस है अब क्या कहा उसने <coughs> श्वेता बीट सोनम बाय वन तो श्वेता ने जब इसने हजार मीटर कवर किए होंगे किसने श्वेता ने श्वेता ने जब हजार किए होंगे तो आपकी कौन सी बालिका है दूसरी सोनम बालिका है ना ये बालिका ने है ना सोनम ने सोनम ने कितना किया होगा डेढ़ सौ कम ठीक है तो साढ़े आठ सौ साढ़े आठ सौ मीटर तो अब क्या पूछा उसने कि सोनाली ने सोनम को कितनी देर में बीट किया है बताओ सोनाली ने सोनम को कितनी देर में बीट किया जल्दी बताओगे ठीक है जल्दी बताओ फटाफट सोनाली ने कितनी देर में बीट किया है नहीं समझ में आया कोई आसान क्वेश्चन था देखो अगर मैं इसका ये निकालू तो सोनाली है यहाँ पे और सोनाली बालक और दूसरी बालिका कौन है श्वेता है है ना दूसरी बालिका कौन है श्वेता है जब ये हजार मीटर कवर कर रही है तो ये 900 मीटर कर रही है बोलो हां और जब श्वेता बालिका है और फिर बालिका कौन सी है सोनम जब ये हजार मीटर कर रही है तो ये 850 कर रही है ये तो मेरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका था बस नहीं तो इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं लगाना तुम्हारे को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सोल्व करने अगर इनका तुम वो निकालोगे तो टेन बाई नाइन का वैल्यू आ गई ठीक है और श्वेता और इसका देखोगे तो ये कटेगा

श्वेता और आपका सोनम है ना सोनाली श्वेता सोनम तो मुझे बताइए गए तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 200 है ना और ये आएगी तुम्हारे पास 180 बोलो हां और यहां पे आ रही है 180 और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो और 153 तो मतलब कि सोनाली जब 200 मीटर पे है सोनाली जब 200 मीटर पे है तो श्वेता कहां पे है 180 पे है और ये कहां पे है 153 पे है 153 पे है अब मुझे सोनाली जब हजार पे होगी तब देखना है ना तो सोनाली का हजार कितना इंटू फाइव कर दें अगर मेरे को इसको इंटू फाइव करना है तो इसको भी इंटू फाइव करना है और इसको भी इंटू फाइव करना होगा तो जब ये हजार पे होगी तो ये कितने पे होगी ये होगी नाइन हंड्रेड मीटर पे देखो श्वेता और वही हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर और ये कितने पे होगी वन फिफ्टी थ्री इंटू फाइव तो फाइव थ्री होगी पे ऑल आसान क्वेश्चन था ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था नहीं तो ये करना ही नहीं था तुम्हें तो जब हजार में सेवन सिक्सटी फाइव माइनस करना है तो ढाई सौ में से पंद्रह कम तो दो सो पैंतीस दो सौ पैंतीस आई होप ये बहुत ही आसान बहुत ही हलवा सवाल था बस सिखाया है तुम्हें करके ठीक है ना बड़े आगे क्या कह रहे हैं फोर प्राइम नंबर ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ थ्री द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री इतना एंड द लास्ट थ्री इतना ठीक है असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े में लिखा हुआ मतलब कि छोटे से बड़े में लिखा हुआ है ठीक है तो मैंने क्या कह दिया असेंडिंग ऑर्डर ए बी सी डी है ना छोटे से बड़े में तो ये सबसे छोटा बड़ा ये बड़ा ये बड़ा है ना थ्री तो सी की वैल्यू रखी दे रखिए और लास्ट थ्री दे रखी है तुम्हारे को बी सी डी की वैल्यू बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, है तुम्हारे को उन्नीस सौ पचपन की अब लार्जेस्ट निकालना है तुम्हें लार्जेस्ट निकालना है तुम्हें ओके ओके अब देखो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग बेवकूफी नहीं करेंगे इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास क्या दिए हुए हैं दिए हुए तो मतलब कि लार्जेस्ट मतलब कि डी की वैल्यू दी हुई है है ना डी की वैल्यू गिवन है हमारे पे ऑप्शन में तो लेट से कि मैं पहला पहला निकाल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री है पहला ट्वेंटी थ्री होगा फिर इससे पहले वाला प्राइम नंबर कौन सा अगर सबसे बड़ा डी आपका तेईस है मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं अभी हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं तो तेईस से छोटा कौन सा होगा भाई तेईस से छोटा होगा ना इक्कीस बाईस होगा ना इक्कीस होगा ना बीस होगा ना सत्रह होगा उन्नीस होगी वैल्यू उन्नीस होगी और यहां पे होगी सेवनटी उन्नीस होगी और यहां पे होगी सेवनटी तो क्या अगर मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है इससे अच्छा मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेवनटीन है नाइनटीन है और कौन सी वैल्यू होगी सेवनटीन है नाइनटीन है और कौन सी वैल्यू होगी बताओ ना सेवनटीन से पहले कौन सी वैल्यू आएगी बोलो 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 बिल्लू है so दिए हैं कैसे दिए हैं फर्स्ट फोर द फोर प्राइम नंबर अच्छा ओके 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 द फर्स्ट थ्री नंबर जितना है अब प्रोडक्ट इतना दे रखा है हाँ तो तेईस से दे रहा है पता है क्या इसको इतना भी नहीं करना मैं क्योंकि देखो ये भी तो नहीं दिया हुआ उसने कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है उसने ये भी तो नहीं दे रखा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है अब मैं चेक करूंगा कि हमारे पास d है ना d की वैल्यू गिवन है अब मेरे को अपना दिमाग अपना मस्तिष्क का ये लगाना है कि किससे किससे डिविजिबल है हमारा क्या 23 से डिविजिबल है ये 23 डिवाइडेड बाय 1955 मतलब d से तो डिविजिबल होना चाहिए ना तो d की वैल्यू ऐसी होगी कुछ तो हमने कर दिया तो 23 अगर मैं 23 6 करूंगा तो 6 3 18 ये 19 6 2 12

तो मेरा जहां तक उम्मीद है तेईस सा आंसर आया अब मैं देखता हूं इकतीस से जा रहा है कि नहीं जा रहा इकतीस से जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो फाइव फाइवी और इकतीस इंटू सिक्स करूंगा तो, 5 5 15, तो ये सिक्स है, है तो ये इकतीस इंटू सिक्स ठीक है तो यहाँ पे आएगी नाइन फाइव तो नाइनटी फाइव से भी जा रहा है नाइन इंटू फाइव थर्टी फाइव नहीं नहीं जा रहा है तो थर्टी वन से जाएगी है, जाएगा ही नहीं, है ना? तो थर्टी वन नहीं हो सकता तो अगर तुम देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ से, से ही कट रहा है से ही कट रहा है तो मैंने इससे लॉजिक लगा दिया कि डी की वैल्यू अगर मैंने डी मान ली तेईस मान ली तो हमारा कट रहा है है ना डी से डिविजिबल होना चाहिए ये तभी तो मल्टीपल है उसका नहीं तो नहीं है ठीक है आसान तरीका था ये इससे आसान कोई और तरीका हो नहीं सकता इसका अब एक दो क्वेश्चन बचा फटाफट कर लेते हैं अ बॉय बॉय ट्रेवल फ्रॉम हाउ होम टू ऑफिस एट इतना एंड बॉक बैक इतना होल जर्नी इतना डिस्टेंस फ्रॉम कॉलेज ठीक है तो ये उसका घर है होम है और ये क्या है उसका कॉलेज है ये होम है ये कॉलेज है देखो मैं आपको तरीके सिखाता हूँ सोचो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तुम्हारे को और तब भी मोर एक घंटा एक घंटा दस मिनट में तुम्हारे साठ क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ पचास क्वेश्चन तो वही उतनी ही स्पीड से तुम्हारे को एग्जामिनेशन में भी करना है तुम तो मतलब मैं अगर अगर तुम्हारे एक्सप्लेन ना करूं तो अप्रोक्सीमेटली दस पंद्रह मिनट और कम लगे ठीक है अब बॉय ट्रेवल फ्रॉम होम टू ऑफिस एट अ जब यहां से यहां जा रहा है तो उसकी स्पीड है पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटे की ठीक है और वॉक बैक एट अ रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आ जब वापस आ रहा है तो थ्री किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आ रहा है इफ द होल जर्नी टेक पूरा का पूरा जर्नी इतना ले रहा है मैंने ले लिया सर मैंने क्या ले लिया सर मैंने ले लिया कि जाने की और इन दोनों के बीच में कितना है एक्स किलोमीटर का डिफरेंस है तो सोचो आपको पता होता है डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना बालक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो डिस्टेंस डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूं तो टाइम देता ना तो देखो जाते का जाते का डिस्टेंस जब जा रहा है घर से ऑफिस घर से कॉलेज तो डिस्टेंस है पैंतीस स्पीड है इतनी कुछ टाइम लगा मुझे नहीं पता कुछ टाइम लगा मुझे नहीं पता जब वापस आ रहा है तो डिस्टेंस एक्स ही है वापस आ रहा है थ्री किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और जब जा, जाने वाला समय और आने वाले दोनों समय को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास सिक्स आवर्स इतना वो आ रहा है थर्टी मिनट तो सिक्स वन बाय टू तो सिक्स टू जो ट्वेल्व थर्टीन बाई टू, टू, टू लिख दू थर्टीन बाय टू लिख दू तो बस अब देखो तीन तीन पैंतीस तो सत्तर है ना कुछ आ तो नहीं क्या वन कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो आपका आ, सत्तर और तीन इक्कीस इक्कीसो इक्कीसो आपके पास वो आ गया है ना सो आपके पास एलसीएम आ गया तो इक्कीस सौ बनाने के लिए हम क्या करेंगे पैंतीस इंटू छो सिक्स एक्स ये होगा है ना और यहां पे आएगा सेवन एलसीएम एक ले लिया मैंने इक्कीस ना समझ में आ रही चीज और इक्वल्स टू इक्कीस सौ बनाने के लिए हम थर्टी कितना एक सौ पांच से मल्टीप्लाई करेंगे ना इक्कीस सो ही आएगा ना सिक्स और पैंतीस इंटू सिक्स पैंतीस में और सत्तर से मल्टीप्लाई किया मैंने तीन में सेवेंटी इंटू थ्री और पैंतीस इंटू तीन करेंगे हम आ, तीन नब्बे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन इंटू एक सौ पांच एक सौ पांच और थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्री थ्री जीरो पांच है छ तो है तीन है एक है सेवनटी सिक्स एक्स इक्वल्स टू वन थ्री सिक्स फाइव है तो x की वैल्यू अगर मैं काटूंगा तो वन थ्री सिक्स फाइव पॉइंट्स में आ रही है क्या आंसर बिल्कुल सही है पॉइंट्स में आ रही है आंसर तो अपॉन सेवेंटी सिक्स है तो अगर मैं काटे अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली भी काटूं तो इस सेवेंटी फाइव ले लूं भाई सेवेंटी फाइव ले लूं तो फाइव के टेबल से काटूंगा तो फाइव टू जा फाइव सेवन जा फाइव थ्री जा और फाइव के टेबल से अगर मैं काटूंगा तो फाइव वन जा फाइव है ना और टू जीरो है ट्वेंटी फाइव फाइव जा है ना अब काटता हूं मैं तो फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा थर्टी होता है ना हाँ फाइव वन जा है है ना और आ, कितना आ रहा बारह एक सौ बीस तो एक सौ बीस हम काटते हैं किससे आठ से ना तो 18. 18 से कुछ आ रहा है पॉइंट वैल्यू तो छोटी ली थी. है ना? उसकी हमने क्या ली थी? छोटी ली थी तो हल्का सा कुछ हार है ना हमने यहाँ पे 75 की, 70, की 75 ली थी एटीन तो से हल्का सा नीचा 18 से हल्का सा नीचा आएगा तो सेवनटीन पॉइंट से ऊपर नहीं आएगा समझ <coughs> तो में आ गया ना क्योंकि 75 की जगह 76 की जगह 75 ली थी तो हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया था हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया था तो हमारी वैल्यू बड़ी आएगी हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया तो वैल्यू बड़ी आएगी तो इस से। अब एक क्वेश्चन और बचा बचावा अमन राम कपिल कंप्लीटेड वर्क इतना तो इतना कपिले तो रिस्पेक्टिवली अमन कर रहा है तुम्हारे पास सिक्सटी एट डेज में राम कर रहा है फिफ्टी वन डेज में और कपिल कर रहा है कितना सेवनटीन डेज में राइट है तो तुम्हारे को दिख रहे होंगे मल्टीपल है इफ दे फर्स्ट फर्स्ट ऑनटर वर्क ऑन थर्ड डे एंड अगेन क्या ऑन द फर्स्ट डे राम वर्क ऑन द सेकंड डे कपिल वर्क ऑन थर्डली तीस परसेंट वर्क कितने में कंप्लीट होगा uh, तीन. तो यहाँ पे टू थ्री जिक्स इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये टू से है और ये फोर से है राइट ये थ्री है और फोर है थ्री और फोर ट्वेल्व इंटू सेवनटीन ट्वेल्व इंटू सेवनटीन तो सेवनटीन टेन प्लस टू तो सात सौ एक सौ दस है और यहाँ पे आएगा चौंतीस तो यहाँ आएगा ये, ये ये आएगा तुम्हारे पास दो, दो सौ चार दो सौ चार वैल्यू आ रही है टोटल वर्क मैंने ले लिया दो सौ चार तो सिक्सटी एट इन टू से दो सौ चार से करेंगे तो कितनी हाँ हाँ, तो एक, एक, एक तो सात सौ दस और सात सौ दस और बारह है ना सात सौ दस और बारह कपिल की एफिशिएंसी हो गई बारह कपिल की एफिशिएंसी हो गई बारह अब क्या हो रहा है ये टोटल काम है, है ना? ये 204 यूनिट्स टोटल काम है भाई 204 यूनिट्स टोटल काम है पहले दिन अमन आ रहा है दूसरे दिन राम आ रहा है तीसरे दिन कपिल आ रहा है फिर फोर्थ दिन अमन आ रहा, आ रहा है फिर राम आ रहा है फिर कपिल आ रहा है एंड सो तो ऑन ऐसे ही चलता जा रहा है <coughs> तो मुझे बताओ कि जब अमन आ रहा है तो तीन यूनिट्स काम कर रहा है जब राम आ रहा है तो चार यूनिट्स जब कपिल आ रहा है तो बारह यूनिट्स तीन चार बारह तो ऐसे ही पूरी पूरी साइकिल बन गई तो मैंने ती, एक 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 दिन की साइकिल साइकिल बना दी तो के अंदर, अंदर कितना काम हो रहा है चार तीन सात बारह नौ ठीक है उन्नीस काम हो रहा है एक साइकिल के अंदर उन्नीस यूनिट काम हो रहा है उन्नीस यूनिट काम हो रहा है तो उन्होंने पूछा कि अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा टोटल वर्क है हमारे पास इतना तो एक सौ चार यूनिट है है ना सॉरी एक सौ

<coughs> जल्दी बता दो ठीक है जी कोई प्रॉब्लम ठीक है ना आ, एक सेकंड फिर से देखेंगे इसमें उन्नीस का आ रहा है अप्रोक्सीमेटली पूरा कर मैं निकालूंगा सेकंड रुक रहा हूँ तो ओके ना ये बहुत पास पास दिए मैं तो ये फाइव से तो जाएगा ही जाएगा ना एक सौ दो को पूरा ही भाग देते हैं ठीक है नहीं तो गलती होने की चांसेस हैं ये फाइव से जाएगा ये नाइन्टी फाइव जाएगा राइट और यहाँ पे सेवन जीरो ठीक है तो फाइव पॉइंट सत्रह है ना तो ये चार से चालीस पचहत्तर छिहत्तर थ्री से जा रहा है ठीक है तो तीन सत्तावन जाएगा भाई है ना फिफ्टी माइनस करेंगे

तो देखो मेन प्रोपोर्शन क्या होता है ए अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी तो एक्स स्क्वायर स्क्वास टू ए इन टू बी ठीक है या फिर एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाए तो ए बी होती है तो पॉइंट फोर ठीक है अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन पॉइंट एट वन तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट सिक्स फोर ठीक है तो पॉइंट फोर है इनटू का 0.8 वैल्यू आ गई है ना अगर मैं इसको काट इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये जीरो अपॉन ये जीरो तो x स्क्वायर मेरा देखो किस तरीके से दिख रहा है 64 अपॉन 100 इनटू का 81 अपॉन 100 तो अगर मैं इसका इसका क्या बोलूंगा इसका मैं x स्क्वायर अगर मैं काट दूं ठीक <coughs> है ये कर दूंगा अंडर रूट है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 अपॉन 10 बार और ये आएगी 9/10 तो x की वैल्यू आ रही है ठीक है ना तो ये 72/100 तो क्या वैल्यू आ गई 0.72 इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है बहुत सारे बच्चे ना गलती क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही नहीं हो रहा भाई इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही नहीं हो रहा 0.72 ठीक है नहीं तो एग्जामिनर या शरीफ था कि उसने 0.72 नहीं दिया नहीं तो बच्चों को वहीं पे फंसा देता वो 72 भी आता आंसर में ठीक है चलिए देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के कंप्लीट हो गए हैं ठीक है मैं आप सभी को यही कहूंगा कि बी रेगुलर इन द क्लास हर एक क्लास के अंदर आपको आना है और ये जितने के जितने मॉक्स है ना एक बार ऐप पे जाके आप लोगों को पढ़ना है या करके आओ अटेम्प्ट करो देखो एक घंटा दस मिनट के अंदर मैंने आपको समझा भी दिए क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए हर एक चीज करा दिए ठीक है तो वैसे ही आप लोगों को इससे और कम टाइम लगना चाहिए ये अप्रोचेस सीखनी है आप सभी को और ये अप्रोचेस सीखनी है अगर टाइम नहीं है आपके पास पढ़ाई नहीं गई है तो आप लोग हमारे यहाँ पे क्लासेस के अंदर आ सकते हो सफल बैच के अंदर आ सकते हो एंड इफ यू वांट तो आप प्रवेश बैच के अंदर भी आ सकते हो ठीक है ना तो यहाँ पे इसी स्पीड से करते रहेंगे ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग और रेगुलर पढ़ते रहना पढ़ाते रहना है हम लोगों को वैसे जो भी डाउट्स होंगे डूलीवा कमेंट इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के अंदर मिलते हैं टिल देन बाय टेक केयर जयंत